Hello everyone, good afternoon all of you. Yes, I'm audible. Yes, good afternoon everyone. Okay, fine. So yes, good afternoon everyone again. So yes, today we are going to cover the next part of our Indian geography through maps. Okay, so before starting with the session, so I just want to let you know about some different initiatives or important जो ऑफर्स रहेगी आपके लिए उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ. सो सबके लिए फ्री स्पेशल क्लासेस हम कंडक्ट करते हैं ऑन अन अकेडमी ऐप. सो याद रखना, आज इवनिंग को मॉडर्न हिस्ट्री का टेस्ट होगा एंड कल 15 अगस्त को यू विल हैव यस द नेक्स्ट जो इंडियन ज्योग्राफी थ्रू मैप्स जो हम कवर कर रहे हैं थ्रू मैपिंग ऑल्सो. सो ये कल सेशन होगा इवनिंग को 8 बजे. ओके, सो ऐसे बहुत सारे सेशंस हमारे स्पेशल क्लास में कंडक्ट होते हैं. सो इसलिए आपको ज्वाइन करना है अन अकेडमी ऐप पे एंड जहाँ पे आपको फ्री स्पेशल क्लासेस होंगे. इट इज़ फ्री फॉर ऑल. ओके, सो यू कैन यूज़ दिस कोड दैट इज़ सुमित के लाइव. जब आप ऐप डाउनलोड करते हो तो आपको ये कोड यूज़ करना है, सुमित के लाइव. सो यू विल गेट द फ्री एक्सेस फॉर दिस ऑल द लेक्चर्स. ओके, और कल होगी आपकी कॉम्बैट, तो उसके बारे में भी याद रखो. सो कल कॉम्बैट होगा आपका सुबह 11 बजे. ओके, तो 11 AM to 12 PM तक आपका ये कॉम्बैट होगा कल. सो सबको अटेंड करना है. और ये जो कॉम्बैट है तो ओनली 60 मिनट्स का होता है, 1 घंटे का ही कॉम्बैट होता है. 56 to 60 क्वेश्चंस आर देयर एंड जिसमें बहुत सारे आपके लिए ऑफर्स होगी एंड इट इज़ अगेन फ्री फॉर ऑल. और ये कॉम्बैट में भी आपको सेम कोड यूज़ करना है, दैट इज सुमित के लाइव. सो सुबह 11 बजे याद रखना, सुबह 11 बजे टेस्ट होता है. और बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे एग्ज़ाम देते हैं, लाइक 25 to 30,000 तक स्टूडेंट्स यहाँ पे एग्ज़ाम देते हैं. सो यू विल गेट टू नो दैट कि ऑल ओवर इंडिया आपका रैंक क्या है वो आपको समझ में आएगा, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स एवरी एवरी कॉम्बैट को इंक्रीज होते जा रहे हैं. तो इसलिए आपको यहाँ पे समझ सकता है कि आपके रैंक्स कितने हैं, आपका प्रिपरेशन कौन से लेवल तक आ गया है. सो प्रीलिम्स से पहले आप आपके रैंक इंक्रीज कर सकते हो. ओके, ट्राई करो कि टॉप 500, टॉप 1000, अगर ऐसे कुछ आपके रैंक्स हो गए तो आप वहाँ से आपके रैंक्स इंक्रीज कर सकते हो. अंडरस्टूड? तो इट इज़ अ बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म होगा आपके लिए खुद को टेस्ट करने के लिए. एवरी संडे सुबह 11 बजे ये टेस्ट होती है. और उसके बाद सुबह 12 बजे एवरी एवरी संडे को सुबह 12 बजे, ओके याद रखना है. सो आपको एक सेशन होगा जो वीकली करंट अफेयर्स हम कवर करते हैं एंटायर वीक में. एंटायर वीक में जो भी हमने लाइक द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, देन आफ्टर दैट PIB, जितने भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, तो उसका कवरेज आपको एवरी संडे को 12 PM को होगा. और उसके साथ आपके क्विज भी कवर किए जाएंगे. अगर आपने कहाँ से भी न्यूज़ कवरेज लिया है ऑलरेडी, तो आप खुद को टेस्ट भी कर सकते हो विद द सम क्विजेस. ओके, तो इसलिए यू मस्ट हैव टू अटेंड दिस सेशन. अगर आपने, इवन इफ आपने किसी का करंट अफेयर्स अगर फॉलो भी किया है, तभी भी अटेंड करो, बिकॉज क्विज के थ्रू आपको अंडरस्टैंड होगा कि आपने जो न्यूज़ कवर किया है वो राइट है या रॉन्ग है, उस तरीके से आपको समझ में आएगा. राइट, सो नाउ सो द थिंग इज दैट कि अभी देखो बाकी भी ऑफर्स है सबके लिए. तो डिफरेंट बैचेस है, 21 के रिगार्डिंग भी बैच होगी. लास्ट 60 डेज के लिए जो बैचेस है वो भी आप अटेंड कर सकते हो, जिसका अटेम्प्ट 22 का है. अब जैसे कि डिक्लेयर हो चुका है, UPSC ने बता दिया है कि 5 जून 2022 को आपकी होगी प्रीलिम्स. ओके, तो बहुत टाइम कम बचा है याद रखना. सो इसलिए आप जो 2022 की बैच है वो भी ज्वाइन कर सकते हो. ओके, एंड यू कैन यूज द सेम कोड दैट इज सुमित के लाइव. अंडरस्टूड एवरीवन? सो स्टार्ट करना है, ग्रेट. सो चलो नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं. लास्ट लेक्चर में हमने कहाँ तक कवर किया था, जिनको भी मतलब जिनके लिए ये फर्स्ट सेशन है, तो जो हमारा L1 L2 ऐसे हमने अभी तक कवर किया है, लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2.
उसमें हमने ऑलमोस्ट नॉर्थ ईस्ट कवर किया है, उसके बाद सिक्किम का पार्ट जो है वो भी कवर किया है, बिहार, यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, सो दैट वी हैव कवर्ड, इवन राजस्थान ऑल्सो कवर्ड। ओके, तो जो भी स्टूडेंट्स ने अभी तक ये सेशन नहीं किया है तो आप अनएकेडमी आर्टिकुलेट पे ही प्लेलिस्ट में जाके या थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन अगर कर लोगे तो लास्ट सैटरडे का आपको सेशन मिल जाएगा कि जिसमें हमने ये डिफरेंट पार्ट्स कवर किए थे। ओके, अंडरस्टूड? ठीक है, सो अब आज हम कवर करने वाले हैं, सो एमपी, आई थिंक एमपी ऑल्सो कवर्ड, एंड आई थिंक आज हम झारखंड से स्टार्ट करने वाले थे, राइट? यस, एम आई राइट? कौन से पार्ट बचे हमारे? यस, लास्ट लेक्चर में हम कहाँ तक आए थे, कोई बता सकता है? यस, महाराष्ट्र नहीं हुआ था ना अभी तक? यस, आई थिंक वी हैव कवर्ड अप टू एमपी पार्ट, सो एमपी आई थिंक कवर हो चुका था। ठीक है, यस एग्जैक्टली, तो एमपी कंप्लीटेड। आई होप एमपी सबको याद है, एमपी के जो इंपॉर्टेंट रिवर दैट इज सीएसबी के, है ना, तो वो भी याद रखो, चंबल सिंध बेटवा केन, आफ्टर दैट विंध्य रेंज एंड सातपुड़ा रेंज, मालवा प्लाटू, बुंदेलखंड प्लाटू, ये सब हमने कवर किया था। ओके, उसके बाद हमने छत्तीसगढ़ देखा था या नहीं देखा था? छत्तीसगढ़ कवर्ड और नॉट? ठीक है, जो भी न्यू स्टूडेंट है डोंट वरी, है ना, आप एवरी स्टेट का देखो अलग से जो हम एक पार्ट कवर करते हैं एवरी एंगल से, तो जो भी न्यू स्टूडेंट्स है वो भी कंटिन्यू करो, डोंट वरी अबाउट दैट कि अब एमपी स्टार्ट हो गया या झारखंड स्टार्ट हो गया तो अभी कैसे हम करें पीछे वाला पार्ट, डोंट वरी अबाउट दैट, बिकॉज झारखंड एक कम्प्लीटली हम अलग तरीके से देखते हैं। तो इसके बाद लेक्चर के बाद आप लगा दो, जो प्रीवियस सेशन है वो कवर कर सकते हो। ओके, सो छत्तीसगढ़ ऑल्सो कवर्ड, राइट? और उसके बाद हमने झारखंड देखा था, झारखंड यस और नो? यस, आई थिंक झारखंड बाकी था, राइट? प्लीज रिप्लाई फास्ट। तो झारखंड देखता है, चलो थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा आपका। सो झारखंड अगर हम देखेंगे, सो इट इज सराउंडेड बाय, पहले एक बार देख लो कि कौन से स्टेट्स इसको लगता है। तो झारखंड इज सराउंडेड बाय बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल। ठीक है, सो ये डन था, ये हो गया था हमारा पार्ट। ठीक है, थोड़ा सा रिवाइज कर लो फास्ट, देखो, सो इट इज सराउंडेड बाय बिहार, बाय नॉर्थ, उसके बाद नॉर्थ वेस्ट में देखोगे तो यूपी आ जाएगा, उसके बाद छत्तीसगढ़ टू द वेस्ट, ओके, आफ्टर दैट साउथ में, झारखंड के साउथ में आएगा उड़ीसा एंड ईस्ट की तरफ आएगा वेस्ट बंगाल। यहाँ तक देखो वेस्ट बंगाल कनेक्ट करता है ऑलमोस्ट यहाँ तक, और बिहार फिर ऐसे कुछ वेस्ट बंगाल को कनेक्ट हो जाता है। अंडरस्टूड? ठीक है, उसके बाद हमने कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस देखे थे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट तो रांची आ जाएगा, इनका एक कैपिटल जिसको हम बोल सकते हैं, तो वो है रांची, देखो सेंटर में एग्जैक्टली दैट इज द रांची। ओके, और भी इंपॉर्टेंट में अगर आप देखोगे सो कोदारमा माइन हमेशा न्यूज में होता है कुछ ना कुछ, या माइंस में अगर आप जब इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी पढ़ते हो, माइंस एंड मिनरल्स के बारे में पढ़ते हो, तब आपको कोदारमा, हजारीबाग, ओके, देन पलमाऊ, देन उसके बाद सिंहभूम रीजन, जमशेदपुर जो रीजन है वो एक इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, मैं सबके सब जूम करके दिखाता हूँ आपको, जस्ट पहले एक बार मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। ठीक है, सो देखो सिंहभूम रीजन, जमशेदपुर, यहाँ पे साउथ ईस्ट की तरफ आते हैं झारखंड के, उसके बाद बोकारो इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे भी डिफरेंट कोल माइन्स है, इंपॉर्टेंट कोल माइन्स आ जाते हैं, बोकारो इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद हजारीबाग भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, देन कोदारमा माइन्स भी इम्पॉर्टेंट है, एंड पलमाऊ के माइन्स ऑल्सो, दालतोनगंज ऑल्सो। तो ओवरऑल दिस झारखंड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यस मिनरल्स, सो दैट्स वाई इट इज नोन एज द मिनरल हार्ट ऑफ इंडिया। ओके, सो इसको क्या कहा जाता है, झारखंड इज नोन एज द मिनरल हार्ट ऑफ इंडिया बिकॉज छोटा नागपुर रीजन है ना, सो दैट इज द छोटा नागपुर प्लाटू जो है तो वो सबसे इंपॉर्टेंट प्लाटू यहाँ पे। ठीक है, इसके दो पार्ट हम कर सकते हैं, नदन पार्ट इज नोन एज हजारीबाग प्लाटू एंड सदन पार्ट इज नोन एज द रांची प्लाटू। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, सो नदन पार्ट ऑफ द छोटा नागपुर प्लाटू इज नोन एज हजारीबाग प्लाटू एंड सदर्न पार्ट इज नोन एज द रांची प्लेटू। क्लियर एवरीवन? ठीक
ठीक है, तो ये नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन याद रखना। अब उसके बाद यहाँ से जो इंपॉर्टेंट रिवर फ्लो होती है, बराक रिवर, दामोदर रिवर, ठीक है, ये नॉर्थ की तरफ से फ्लो होती है और टूवर्ड वेस्ट बंगाल फ्लो होती है। तो देखते हैं आगे, सो यू कैन सी दिस रिवर। शायद हमने ये लास्ट टाइम कवर किया था ये पार्ट, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर लेता हूँ। आप जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं वो प्रीवियस लेक्चर जाके देख सकते हो। सो देखो, हमने दामोदर देखी थी। दामोदर किसकी ट्रिब्यूटरी है? सो दैट इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ द हुगली। ओके, ये कोलकाता से थोड़ा पहले जाके मिलती है, ठीक है, सो दैट इज़ द हुगली रिवर। ओके, सो हुगली को जाके मिलेगी, वो है दामोदर। सो दामोदर ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ छोटा नागपुर रीजन। छोटा नागपुर के नॉर्थ से ये ओरिजिनेट होती है, राइट? एग्जैक्टली। और बाकी हमने यहाँ पे रिवर देखी थी कि सुबर्ण रेखा, ये साउथ से निकलती है, सुबर्ण रेखा, जिसपे एक इम्पॉर्टेंट आयरन स्टील रिलेटेड प्लांट है, सो दैट इज़ द यस जमशेदपुर, टाटा का टिस्को जो प्लांट आएगा जमशेदपुर, राइट? तो यही रिवर पे आएगा, सुबर्ण रेखा रिवर पे, ठीक है, अंडरस्टूड यहाँ तक? ठीक है, तो यस, दामोदर को हम क्या कहेंगे? सॉर ऑफ वेस्ट बंगाल, बिकॉज जब हेवी रेनफॉल होता है मानसून के टाइम में तो यहाँ पे बहुत सारे फ्लड्स आते हैं वेस्ट बंगाल में, सो इसलिए दामोदर इज ऑल्सो नोन एज द सॉरो ऑफ द वेस्ट बंगाल। तो देखो यहाँ पे, सो ये है सुबर्ण रेखा जो ईस्ट की तरफ यहाँ पे फ्लो होती है। उसके बाद साउथ कोयल, नॉर्थ कोयल, ये छोटी मोटी रिवर है, तो हमने आई थिंक लास्ट लेक्चर में कवर किए थे, इसलिए मैं थोड़ा स्किप कर देता हूँ। उसके बाद हमने मेघालय को स्टार्ट किया था, राइट? तो मेघालय भी आई थिंक हमने कवर किया था मेघालय के बारे में, सो दैट इज़ गारो, खासी एंड जैतिया हिल्स, तो ये पार्ट आ जाता है। ओके, गारो, खासी, जैतिया, ये हुआ था हमारा पार्ट, यस और नो? फास्ट रिप्लाई, फास्ट, डन और नॉट? आई थिंक ये भी हुआ था, राइट? यस, बताओ फास्ट, जो जो स्टूडेंट्स ने लास्ट लेक्चर किया था। सो देखो, गारो, खासी एंड जैतिया, आई थिंक ये पार्ट भी हमने कवर किए थे। ओके, और यहाँ पे जो नेशनल पार्क है वो भी हमने देखे थे। यस, एग्जैक्टली, आई थिंक इट्स डन, बराबर है? यस, ओके, तो इसको भी स्किप कर देता हूँ, ठीक है, तो जो भी न्यू स्टूडेंट्स है कंप्लीटली उसको देख लो बाद में। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द महाराष्ट्र। ओके, शायद हमने ये पार्ट नहीं लिया था, अब यहाँ से शुरुआत करते हैं। यस, डेक्कन प्लाटू स्टार्ट करना था हमें, राइट? तो नाउ लेट अस सी अबाउट द साउथ ऑफ, आई थिंक इतना एंटायर पार्ट हमने कवर कर लिया है, छत्तीसगढ़ के साथ, झारखंड के साथ, ये पूरा हाफ ऑफ द इंडिया ऑलमोस्ट वी हैव कवर्ड। ओके, सो जो भी न्यू स्टूडेंट्स है L1 L2 देख लेना, अनएकेडमी आर्टिकुलेट पे ही आपको मिल जाएगी सेशंस। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द महाराष्ट्र। ओके, सो देखते हैं महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के देखो, नॉर्थ में आता है गुजरात, देन नॉर्थ में आएगा MP, ईस्ट में आएगा छत्तीसगढ़, साउथ में है तेलंगाना, कर्नाटका एंड गोवा। ओके, एंड एंटायर वेस्ट की तरफ मिलेगा आपको अरेबियन सी। ओके, सो देख लो यहाँ पे, सो वेस्ट की तरफ महाराष्ट्र के कंप्लीटली अरेबियन सी है, नॉर्थ की तरफ आता है गुजरात, जहाँ से इनके जो नदन सेक्शन देखो, यहाँ पे गुजरात लगता है नॉर्थ की तरफ, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा दादरा नगर हवेली जो यूटी का पार्ट है, एंड दमन दीव ऑल्सो। सो दादरा नगर हवेली एंड दमन यहाँ पे मिलेगा, दीव जो आइलैंड है वो गुजरात के पास आता है, ठीक है, सो ये गुजरात लगेगा महाराष्ट्र को ऊपर से। उसके बाद MP, मैक्सिमम पार्ट देखो नॉर्थ का अगर देखेंगे तो MP लगता है। ओके, ये अमरावती डिवीजन देख लेना, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है अमरावती रीजन, बिकॉज जब हमने सातपुड़ा देखा था तब सातपुड़ा के हमने कुछ पार्ट्स देखे थे, याद है सबको? तो जो सातपुड़ा हमने देखा था, देखो राजपिपला, महादेव, देन यहाँ पे जो हमने देखी थी वो थी गाविलगढ़, जो MP एंड यस महाराष्ट्र के बॉर्डर पे आती है, सो दैट इज द गाविलगढ़, याद है सबको गाविलगढ़? सो राजपिपला, महादेव एंड गाविलगढ़, सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ सातपुड़ा। तो सातपुड़ा का कौन सा पार्ट महाराष्ट्र में आता है? तो ये अमरावती सेक्शन में गाविलगढ़ पार्ट। ओके, सो यहाँ पे ये देख लेना। उसके बाद ईस्ट में जाओगे तो छत्तीसगढ़ मिलेगा, ठीक है, छत्तीसगढ़, ये ईस्ट पार्ट देख लो, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से कनेक्टेड है। तो ये जो रीजन है गढ़चिरौली या गोंदिया, ऐसे जो रीजन्स है, तो ये रीजन्स भी कभी कभार न्यूज़ में होते हैं जब नक्सलाइट रिलेटेड कुछ इश्यूज आता है, जो हम रेड कॉरिडोर बोलते हैं, वो छत्तीसगढ़ से जो रेड कॉरिडोर जाता है, राइट? तो
नक्सलाइट रीजन अगर हम देखेंगे, नक्सल प्रोन रीजन, तो इसमें ईस्टर्न महाराष्ट्र भी बहुत बार न्यूज में मिल जाएगा आपको। जो हमने छत्तीसगढ़ में एक रिवर देखी थी, इंद्रावती रिवर, याद है सबको? छत्तीसगढ़ में बस्तर जो प्लाटो हमने देखा था, बस्तर और दंडकारण्य प्लाटो, तो यहां से जो इंद्रावती निकलती है, राइट? सो ये इंद्रावती देखो गोदावरी को जाके यहां पे मिलेगी, ठीक है? तो देखो ये बॉर्डर पे फ्लो होती है महाराष्ट्र के, दिख रहा है सबको? सो बस्तर जो प्लाटो है छत्तीसगढ़ वाला, तो यहां से इंद्रावती रिवर निकलेगी और इट गोज एंड मर्ज विद द गोदावरी, क्लियर? और एक प्राणहिता जो वैन गंगा ये दिख रही है, एक्चुअली ये प्राणहिता रिवर होगी। प्राणहिता पहले मिलती है गोदावरी को और उसके बाद यहाँ पे जो मिलती है वो है इंद्रावती, गढ़चिरौली के बॉर्डर्स पे। अब ये रीजन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, करंट अफेयर्स में रहेगा ये पार्ट भी। जैसे कि आप देख सकते हो गोदावरी ऐसे कुछ यहाँ पर टच करके, गोदावरी वाली रिवर जो है, तो वो यहाँ से आगे जाएगी आंध्र प्रदेश की तरफ। ओके, सो नाउ वाई दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, कि जहां पे देखो इंद्रावती से पहले तेलंगाना में जो प्राणिता मिलती है, तो ये पॉइंट क्यों इंपॉर्टेंट है गोदावरी का? सो बिकॉज रिसेंटली एक कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट, जो कि वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट इल लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है, ओके, सो ये कौन से रिवर पे आता है? गोदावरी रिवर। सो इसलिए करंट अफेयर्स यहाँ पे चल रहा है। ओके, सो देख लेना यहाँ पे जो पॉइंट दिख रहा है आपको, सो दैट इज द कालेश्वरम, कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट, तो इसके बारे में पढ़ लो, जो कि गोदावरी रिवर पे आता है। अंडरस्टूड एवरीवन? क्लियर है? सो दैट इज वैन गंगा एंड पैन गंगा, जब रिवर मिलते हैं, प्राणहिता जहां पे मिलती है, सिरोंचा नाम का एक पॉइंट आ जाता है, राइट, जहां पे गोदावरी और ये प्राणहिता जब मिलते हैं, राइट, सो ये पॉइंट पे आपको मिलेगा कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट। ओके, तो ये अभी फिलहाल न्यूज में है, तो उसको चेकआउट करो। उसके बाद गोदावरी कंटिन्यू करती है तेलंगाना में, एंड उसके बाद ये जाएगी आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश में जाके ये मिलेगी बे ऑफ बंगाल को। सो याद रखना दो रिवर यहां पे इंपॉर्टेंट है, सो दैट इज प्राणहिता एंड इंद्रावती। उसके बाद आप जैसे नीचे आ जाओगे तो आपको मिलेगा, सो दैट इज तेलंगाना पार्ट। ओके, तो देखो यहां पे पूरा तेलंगाना है, मतलब गोदावरी ऐसी रिवर है कि जो महाराष्ट्र एग्जिट करती है फर्स्ट टाइम और अगेन री एंटर्स टू द महाराष्ट्र इन गढ़चिरौली पॉइंट। सो विच रिवर एग्जिट एंड एंटर्स अगेन इन दैट एनी पर्टिकुलर स्टेट, ऐसा अगर स्टेटमेंट आ जाता है, मतलब कोई कौन सी ऐसी रिवर है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, कि जो वो स्टेट छोड़ती है और फिर से स्टेट में एंटर करती है। अगर मैं ऑप्शन दे दूँ, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी एंड कावेरी, सो वॉट शुड बी द आंसर? यस, क्या होगा? कि कोई पर्टिकुलर एक स्टेट, बिकॉज देखो आप ब्रह्मपुत्र देख लो, अरुणाचल में एक ही बार जाती है, एग्जिट करने के बाद वो एग्जिट ही करती है, बराबर है? और उसके बाद आसाम निकल जाएगी, उसके बाद फिर आसाम छोड़ने के बाद तो वो अलग कंट्री में निकल जाती है, राइट? गंगा देख लो, उत्तराखंड में एक ही बार फ्लो है, उसके बाद एग्जिट कर दिया, उत्तराखंड तो एग्जिट हो जाता है, यूपी एग्जिट कर दिया तो यूपी एग्जिट हो जाता है, बिहार एग्जिट कर दिया, बिहार एग्जिट हो जाता है, बराबर है? तो वो भी कोई पर्टिकुलर ऐसा कोई यहाँ पे पैटर्न नहीं बनेगा। कावेरी भी देखो कर्नाटक से फ्लो होती है, कर्नाटक एक बार एग्जिट कर दिया तो वो तमिलनाडु निकल जाएगी और उसके बाद डायरेक्टली जाके मिलेगी बे ऑफ बंगाल को, राइट? बट गोदावरी ऐसी रिवर है कि जो महाराष्ट्र एग्जिट करती है, बट अगेन इट री एंटर्स टू द महाराष्ट्र। ओके, मतलब यहां पे देखो यहां पे टच कर रही फिर से, तो ये कुछ अलग एक स्टेटमेंट बन जाता है, तो इसलिए याद रखना ये जो स्टेटमेंट मैंने आपको बताया वो, ठीक है? तो एनीवेज देखो तेलंगाना इज देयर, उसके बाद यहां पे आएगा कर्नाटक, साउथ ऑफ महाराष्ट्र इज द कर्नाटक। ओके, सो दैट इज कर्नाटक, एंड अगेन एकदम स्लाइटली यहाँ पे गोवा का भी पार्ट लगेगा साउथ की तरफ, एंड पूरा वेस्ट की तरफ तो अरेबियन सी आएगा, या कोंकण, कोंकण कोस्ट जिसको हम बोलते हैं, सो दैट इज देयर, कोंकण कोस्ट इज देयर। ओके, तो पहला स्टेट हम देख रहे हैं एंटायर हमारे अभी तक के पूरे सेशंस में, L1 L2, लेक्चर 1 लेक्चर 2, या अभी तक जितने भी सेशंस देख रहे हैं, तो उसमें हमारा पहला ऐसा सेशन है कि जिसमें हम कोस्टल स्टेट देख रहे हैं कोई, बराबर है? सो दैट इज द महाराष्ट्र, कोंकण कोस्ट ये पार्ट आएगा, याद रखो इसको, जो अरेबियन सी से लगता है। उसके बाद इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे पोर्ट होना चाहिए फिर, है ना? सो यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट पोर्ट है क्या? तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज होता है, हो जाती है मेजर पोर्ट। सो बाकी पोर्ट इतने नहीं, बट एटलीस्ट मेजर पोर्ट तो भी पढ़ो। सो मेजर पोर्ट कौन सा आता है?
इंडिया में टोटल 13 मेजर पोर्ट्स आते हैं फिलहाल की अगर पोजीशन में देखा जाए तो। सो 13 मेजर पोर्ट में से महाराष्ट्र में कौन से मेजर पोर्ट्स आते हैं बताओ फर्स्ट? सो दैट इज मुंबई, बांद्रा नहीं, गरिमा बांद्रा कैसे आ गया? ठीक है, सो दैट इज द मुंबई पोर्ट। ओके, मुंबई पोर्ट इज द मेजर पोर्ट। एंड यहाँ पे मुंबई की थोड़ा वेस्ट में देख लेना जो आर्टिफिशियली क्रिएटेड पोर्ट है, सो दैट इज द JNPT, विच टू डिक्रीज द लोड ऑफ मुंबई पोर्ट, मतलब मुंबई पोर्ट का लोड कम करने के लिए यहाँ पे JNPT बनाया गया था, वो भी एक मेजर पोर्ट है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, इट इज ऑल्सो नोन एज द नाभाशेवा। ओके, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट ऑल्सो नोन एज द नाभाशेवा। सो दिस टू पोर्ट्स आर द मेजर पोर्ट्स ऑफ द महाराष्ट्र। अंडरस्टूड? क्लियर है यहाँ तक सबको? एवरीवन अंडरस्टूड अबाउट महाराष्ट्र, JNPT एंड मुंबई? ओके, क्लियर? ठीक है। सो अपार्ट फ्रॉम दिस, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है, दैट इज द वेस्टर्न घाट। ओके, जहाँ पे वेस्टर्न घाट अभी स्टार्ट हो जाती है, तो वो स्टार्ट होती है देखो गुजरात से। तो नाउ टेल मी दैट कि वेस्टर्न घाट कितने स्टेट से फ्लो होती है, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। वेस्टर्न घाट फ्लोज फ्रॉम हाउ मेनी स्टेट्स? आई थिंक 18 या 19 का कुछ क्वेश्चन है, 2018 या 19 का। तो कितने स्टेट से फ्लो होती है वेस्टर्न घाट बताओ? वेस्टर्न घाट जो यहाँ से गुजरात से स्टार्ट हो रही है देखो, तो ये कितने स्टेट से फ्लो होती है? गुजरात से स्टार्ट कर रहे हैं हम। वेस्टर्न घाट फ्लोज फ्रॉम हाउ मेनी स्टेट्स? फर्स्ट, ओके, सिक्स स्टेट्स। एवरीवन श्योर अबाउट दिस? देखो फर्स्ट इज गुजरात, सेकंड महाराष्ट्र, थर्ड गोवा, फोर्थ कर्नाटका, फिफ्थ केरला, एंड तमिलनाडु के भी बॉर्डर पे आपको मिल जाएगी वेस्टर्न घाट। तो सिक्स्थ, सिक्स पार्ट आ जाएगा। ओके, सो दैट इज द सिक्स, टोटल सिक्स स्टेट्स है कि जिससे वेस्टर्न घाट फ्लो होती है। ओके, तो गुजरात से स्टार्ट करते हैं हम। तो गुजरात में देखो, गुजरात से बाद यहाँ पे महाराष्ट्र में वेस्टर्न घाट कंप्लीटली यहाँ पे फ्लो होती है एज अ सह्याद्री, इसको सह्याद्री भी कहा जाता है। सो दिस इज द वेस्टर्न घाट। ये वेस्ट की तरफ से वेस्टर्न घाट बहुत ही स्टीप है और ईस्ट की तरफ से थोड़ी सी जेंटल आ जाएगी। ओके, तो वेस्टर्न घाट इज स्टीपर फ्रॉम द वेस्ट साइड एंड जेंटल फ्रॉम द ईस्ट साइड। ओके, तो ये याद रखो, स्टीप है मतलब वेस्ट की तरफ से देखोगे कि इट लुक लाइक अ वॉल, ये वेस्ट की तरफ से पूरा वॉल जैसे दिखती है। कोंकण की रीजन से आप देखो, यहाँ कोस्ट की तरफ से अगर आप यहाँ पे खड़े हो तो आपको बहुत ही वॉल लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, और ईस्ट की तरफ पूरा जेंटल स्ट्रक्चर है। अब इसके कुछ सब पार्ट्स भी आते हैं देखो, मतलब यहाँ से जो वेस्टर्न घाट से कुछ सब रेंजेस भी जाते हैं। सो दैट इज सातमाला, अजिंठा, उसके बाद हरिश्चंद्र, बालाघाट, एंड यहाँ पे महादेव या ऑल्सो नोन एज शंभू महादेव। सो दिस इज द सब पार्ट्स ऑफ द वेस्टर्न घाट इन सह्याद्री रीजन। सह्याद्री के ये सब पार्ट्स है, सातमाला अजंता आपके एटलस में देख लो, हरिश्चंद्र, बालाघाट एंड शंभू महादेव। यहां तक क्लियर है सबको? ये महाराष्ट्र में स्प्रेडेड है। ऊपर जो आपको दिख रहा है यहाँ पे सातपुड़ा, वो सातपुड़ा का पार्ट है, और ये गाविलगढ़ जो है वो सातपुड़ा का पार्ट है। इसको गलती से भी आप वेस्टर्न घाट में मत लेके आना, या सह्याद्री का कोई संबंध नहीं इससे। तो याद रखना, वेस्टर्न घाट या सह्याद्री के कौन से सब रेंजेस यहाँ पे मिल रही है आपको? महादेव, हरिश्चंद्र, बालाघाट एंड सातमाला अजिंठा पार्ट। अंडरस्टूड एवरीवन? सो यहां तक क्लियर है सबको? ओके, सो नाउ लेट अस सी द रिवर्स इन महाराष्ट्र। ठीक है, रिवर इंपॉर्टेंट है, तो देख लो कौन से रिवर्स है। सबसे नॉर्थ से हम स्टार्ट करते हैं, सातपुड़ा के साउथ में जो एक इंपॉर्टेंट रिवर फ्लो होती है, सो दैट इज द तापी रिवर, है ना? सो दैट इज द तापी रिवर, कि जिसपे एक उकाई नाम का एक डैम आता है, सो दैट इज द तापी रिवर, जो सातमाला अजिंठा एंड सातपुड़ा के बिटवीन फ्लो होती है, सातमाला के नॉर्थ में एंड सातपुड़ा के साउथ में। याद रखना, सातपुड़ा के साउथ में और सातमाला अजिंठा, ओके, सातमाला अजिंठा के नॉर्थ में। तो यहां से जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, सो दैट इज द तापी रिवर। वो कौन सी रिवर है? तापी रिवर।
अंडरस्टूड, वेस्ट फ्लोइंग रिवर, इट इज ऑल्सो नोन एज द ट्वीन ऑफ नर्मदा, ओके। सो ये देख लेना। उसके बाद एक पूर्णा रिवर है जो गाविलगढ़ के साउथ से निकलती है, तो ये तापी की ही इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। तो यूपीएससी समटाइम आस्क अबाउट द इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज, सो यू शुड नो अबाउट दिस कि पूर्णा रिवर, ओके। सो यहाँ पे देखो गाविलगढ़ के साउथ से एक पूर्णा रिवर निकलती है, तो इसलिए इसको तापी को कभी कभार तापी पूर्णा भी कहा जाता है, बिकॉज ये बहुत बड़ी ट्रिब्यूटरी यहाँ से गाविलगढ़ के साउथ से आके तापी को मिलती है, ओके। बिकॉज गाविलगढ़ के नॉर्थ में यहाँ पे बैतुल प्लाटो है, वहाँ से तापी का ओरिजिन पॉइंट है। तो तापी ऊपर से आ गई गाविलगढ़ के, गाविलगढ़ के साउथ से पूर्णा आती है, दोनों मिलते हैं, तापी पूर्णा ऐसा रीजन कहा जाता है, और तापी कंटिन्यूस टूवर्ड द वेस्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड दैट गोज टू द गुजरात, गुजरात में जाके ये गल्फ ऑफ खंभात को जाके मिलती है। सो ये हो गए फर्स्ट रिवर ऑफ द महाराष्ट्र जो नॉर्थ की तरफ है। अब ईस्ट की तरफ इंपॉर्टेंट रिवर में अगर हम देखेंगे, सो दैट इज द गोदावरी, ओके। सो ये गोदावरी देखो इस तरीके से कुछ फ्लो होगी, एंड आफ्टर दैट इसका पैटर्न जो है वो इस तरीके से होगा, ओके। तो बताओ मुझे अभी गोदावरी का ओरिजिन कहाँ पे है, व्हाट इज द ओरिजिन पॉइंट ऑफ गोदावरी। सो दिस इज द गोदावरी रिवर, राइट। सो ये हो गई गोदावरी रिवर। सो व्हाट इज द ओरिजिन पॉइंट ऑफ गोदावरी। फास्ट यस, त्र्यंबकेश्वर है ना, ये सातमाला बोलने से अच्छा है कि त्र्यंबकेश्वर पॉइंट बोलो, सह्याद्री रेंज में ही है। सो दैट इज द त्र्यंबकेश्वर पॉइंट, नासिक रीजन में त्र्यंबकेश्वर नाम का एक पॉइंट आता है, ब्रह्मगिरी नाम के हिल्स है, तो वहाँ पे यहाँ पे गोदावरी का ओरिजिन पॉइंट है। इवन आपको पता होगा यहाँ पे कुंभ मेला का भी एक पॉइंट है, ये मतलब त्र्यंबकेश्वर पॉइंट, यहाँ पे कुंभ मेला भी होता है, ओके। सो दैट इज द ओरिजिन ऑफ द गोदावरी, अंडरस्टूड, त्र्यंबकेश्वर नासिक रीजन, याद रखना। उसके बाद हरिश्चंद्र बालाघाट, ये साउथ की तरफ आता है, और उसके बाद यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट रिवर है, सो दैट इज द भीमा, ओके। सो कौन सी रिवर है वो, भीमा। अब ये सेपरेटली नहीं जाती, जैसे अभी हमने देखा गोदावरी सेपरेटली जाती है बे ऑफ बंगाल की तरफ, तेलंगाना, फिर बाद में आंध्र प्रदेश में जाके ये सेपरेटली जाती है बे ऑफ बंगाल की तरफ, राइट। बट यहाँ पे जो नेक्स्ट रिवर है, सो दैट इज द भीमा, एक्चुअली इट इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा। कृष्णा जो कि यहाँ पे देखो साउथ से, महादेव रेंज के साउथ से फ्लो होती है ना, और फिर उसके बाद कर्नाटक जाती है, ये पूरा कर्नाटक का पार्ट है साउथ की तरफ, राइट। तो भीमा एंड कृष्णा ये कर्नाटक में जाके कुरुगुड्डी नाम की एक प्लेस है, कुरुगुड्डी है ना, कुरुगुड्डी नाम की एक प्लेस है, तो वहाँ पे भीमा एंड कृष्णा मिलता है, और उसके बाद कृष्णा कंटिन्यू होती है इन द कर्नाटक पार्ट एंड तमिलनाडु पार्ट, और उसके बाद ये जाके मिलेगी बे ऑफ बंगाल को, विच रिवर, कृष्णा रिवर, बिकॉज भीमा एंड कृष्णा मिलने के बाद इसको सिमिलर, मतलब सिंपली यहाँ पे इसको आगे कृष्णा ही कहा जाता है, ओके। सो इट इज नोन एज द कृष्णा, और ये भी बे ऑफ बंगाल में जाएगी आगे, तो इसलिए तो हम देखते हैं ना आंध्र प्रदेश में केजी बेसिन बोलते हैं, तो दैट इज मीन्स कि कृष्णा गोदावरी बेसिन, दैट इज नोन एज द केजी बेसिन। जब हम आंध्र प्रदेश देखेंगे तो उसको डिटेल में देखते हैं, तो फिलहाल के लिए इतना याद रखो कि कौन से रिवर के बिटवीन कौन से डिफरेंट पार्ट्स आते हैं, या कौन से रिवर के बिटवीन कौन सी माउंटेन रेंजेस है। क्लियर यहाँ तक? सो चलो इस पे फिर आपको कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ। सो नाउ टेल मी दैट, सो विच रिवर, और वी कैन से कि तापी एंड इस, थोड़ा सा एक मिनट, जस्ट अ सेकंड। सो तापी एंड गोदावरी के बिटवीन कौन सी रेंज है बताओ, फर्स्ट तापी एंड गोदावरी के बिटवीन कौन सी रेंज आती है। द रेंज बिटवीन तापी एंड गोदावरी, सो व्हाट इज द नेम ऑफ दैट। यस, गुड। सो दैट इज द सातमाला, सातमाला अजिंठा, पूरा बोलना है इसको, है ना, सातमाला अजिंठा, ग्रेट, ओके। आफ्टर दैट नाउ टेल मी दैट कि भीमा एंड कृष्णा के बिटवीन कौन सी रेंज है, भीमा एंड कृष्णा के बिटवीन कौन सी रेंज आती है।
विच रेंज इज देयर बिटवीन द भीमा एंड कृष्णा? फास्ट. तो विच रेंज इज देयर बिटवीन द भीमा एंड कृष्णा? यस, दैट इज द शंभु, शंभु महादेव, राइट? इसको याद रखो, शंभु महादेव. ओके, तो ये थोड़ा सा टेस्ट कर लेना खुद का, एक बार प्रिपरेशन एक बार टेस्ट करो, भीमा एंड कृष्णा के बिटवीन कौन सी है, एंड आफ्टर दैट लास्ट गोदावरी, गोदावरी एंड भीमा के बिटवीन कौन सी आएगी, गोदावरी एंड भीमा के बिटवीन, भीमा एंड गोदावरी के बिटवीन कौन सी रेंज आती है? यस, फास्ट, दैट इज द हरिश्चंद्र बालाघाट. ओके, हरिश्चंद्र बालाघाट, अंडरस्टूड? यस, हरिश्चंद्र बालाघाट इज देयर. सो एनीवेज, है ना, तो इसको याद रखो, जो भी पॉइंट्स मैंने आपको अभी बताए हैं तो वो पूरे अच्छे तरीके से याद रखो, बिकॉज मुझे लगता है महाराष्ट्र में अगर क्वेश्चन आएंगे तो रेंजेस एंड रिवर्स पे ही आ सकते हैं. बाकी अभी गोदावरी के ट्रिब्यूटरीज कौन सी है तो वो थोड़ा सा आपके एंड से देख लेना, जैसे कि इंपॉर्टेंट में आएगा दुधना पूर्णा रिवर आ जाते, या फिर मांजरा जो साउथ की तरफ से मिलती है, दैट इज मांजरा रिवर, है ना, तो ये थोड़ा सा आपके एंड से देख लेना. राइट एंड लेफ्ट एंड ट्रिब्यूटरी इजिली आपको मिल जाएगा, ऑन द विकीपीडिया आपको सर्च करना है. फॉर एग्जाम्पल, आपने विकीपीडिया कर दिया और इसमें बस गोदावरी क्लिक करना है, राइट? सो गोदावरी पे जाने के बाद जैसे आपको विकीपीडिया ओपन होगा तो राइट कॉर्नर में एक कॉलम दिखेगा जहाँ पे राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज दिया होता है, तो उसकी लिस्ट बना के रखो. ऐसे सब रिवर के लिए करना है, चाहे वो गोदावरी हो, तापी हो, भीमा हो या कृष्णा हो, तो सबके सब रिवर के लिए करना है आपको, ठीक है? ओके, देन नेक्स्ट इज द नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. सो बाकी चलो, रिवर क्लियर है सबको यहां तक, ठीक है? बाकी अभी नेक्स्ट पार्ट आ जाता है. सो महाराष्ट्र में जो भी नेशनल पार्क्स है तो वो कौन से आते हैं, ठीक है? सो बताओ, टेल मी द नेम्स ऑफ नेशनल पार्क्स इन महाराष्ट्र रीजन. फास्ट, कौन से नेशनल पार्क है महाराष्ट्र में, बताओ फास्ट, महाराष्ट्र के नेशनल पार्क्स. यस, तो देखो ये सही दिख रहा है, सबको दिख रहा है? ओके, गुड. सो देखो, दैट इज द चांदोली फर्स्ट, देन गुगामल, ओके, देन नवेगांव नेशनल पार्क, पेंच, संजय गांधी एंड ताडोबा. सो सिक्स नेशनल पार्क्स आर देयर इन द महाराष्ट्र. ओके, टोटल छह नेशनल पार्क्स आते हैं, जिसमें से चांदोली देखो तो वेस्टर्न घाट की तरफ आता है. जो हमने वेस्टर्न घाट का पार्ट दिखा था महाराष्ट्र में, तो यहाँ पे कुछ आ जाएगा चांदोली वेस्टर्न घाट में. ओके, सो दैट इज द चांदोली, यू कैन सी दिस. तो कोल्हापुर कुछ रीजन आ जाता है, सांगली एक्सेट्रा, बट डू नॉट गो इन द डिटेल. बस याद रखो कि महाराष्ट्र में चांदोली नेशनल पार्क, इतना भी याद रख लिया तो भी बहुत है. ओके, सो सह्याद्री के पार्ट्स में आता है, सह्याद्री टाइगर रिजर्व भी यहाँ पे आएगा, एंड आफ्टर दैट कोयना एक्सेट्रा पार्ट है, वेस्टर्न घाट में आता है, इतना याद रखो. वेस्टर्न घाट में महाराष्ट्र में एक ही नेशनल पार्क आता है, दैट इज द चांदोली नेशनल पार्क. दूसरा रहेगा जो भी है संजय गांधी नेशनल पार्क, वो थोड़ा मेट्रोपोलिटन सिटी के आसपास आता है, बोरीवली के आसपास आता है. ओके, सो दैट इज नियर बाय बोरीवली, और बोरीवली ये हम यूजुअली मुंबई के रीजन के आसपास पार्ट पकड़ते हैं, और वो कोस्टल प्लेन्स में हम कंसिडर करेंगे, तो इसलिए वेस्टर्न घाट में अगर देखोगे सो दैट इज द चांदोली इज द ओनली पार्ट. बाकी मैक्सिमम इनके जो नेशनल पार्क्स है तो देखो ईस्ट की तरफ आते हैं, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारा फॉरेस्टेड एरिया है ईस्ट की तरफ. महाराष्ट्र में ईस्ट को जो रेनफॉल होता है वो मैक्सिमम बे ऑफ बंगाल ब्रांच की वजह से होता है, बिकॉज अरेबियन सी से जो विंड्स आते हैं तो वो मैक्सिमम रेनफॉल कोकण रीजन, महाराष्ट्र के वेस्टर्न घाट रीजन में रेनफॉल देता है, और जो वेस्टर्न महाराष्ट्र है यहाँ पे एक अच्छा खासा रेनफॉल मिल जाता है. बट जैसे मराठवाड़ा रीजन जो महाराष्ट्र का है, सो दैट इज़ वेरी ड्रॉट प्रोन रीजन, है ना, ये अरिड एंड ड्रॉट प्रोन रीजन है. तो अब जब कभी आप, जैसे इस बार भी यूपीएससी ने देखो मेंस में क्वेश्चन पूछा था कि इंडिया के जो ड्रॉट प्रोन रीजन से वो आइडेंटिफाई करो एंड व्हाट इज द वाटर रिलेटेड इशूज ऑल्सो, तो तब आपको पता होना चाहिए कि इंडिया के कौन से रीजन हमें शो करना है. तो यू मस्ट हैव टू शो दिस रीजन, मराठवाड़ा रीजन, जहाँ पे वन ऑफ द लार्जेस्ट सुसाइड होते हैं, फार्मर सुसाइड होते हैं, सो दैट इज द मराठवाड़ा रीजन एंड वेस्टर्न विदर्भ ऑल्सो. ओके, ईस्टर्न विदर्भ में कोई इशू नहीं है, मतलब ये जो विदर्भ मतलब कौन सा है कि महाराष्ट्र का ये पूरा ईस्टर्न पार्ट, नागपुर एंड अमरावती रीजन एक्सेट्रा कुछ पार्ट्स आते हैं, तो
तो ईस्टर्न विदर्भ इसलिए नहीं है बिकॉज यहाँ पे अच्छा खासा रेनफॉल है, बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट है, ट्राइबल पॉपुलेशन ज़्यादा मिलेगा आपको ईस्टर्न महाराष्ट्र में। और जो मेन डेवलपमेंट ऑफ महाराष्ट्र इज नियर बाय वेस्टर्न महाराष्ट्र, कोंकण रीजन यहाँ तक सीमित है। और सेंट्रल पार्ट जो है महाराष्ट्र का, दैट इज़ द मराठवाड़ा रीजन, तो यहाँ पे उतनी डेवलपमेंट नहीं है बिकॉज ऑफ द लेस रेनफॉल। जो भी है तो डिपेंडेंस इज मोर ऑन द एग्रीकल्चर पार्ट, अंडरस्टूड। तो अब अगर आपको आंसर लिखना है सो एंटायर महाराष्ट्र मत लिखो, महाराष्ट्र का जो सेंटर पार्ट है मराठवाड़ा रीजन, सो दैट इज द ड्रॉट प्रोन रीजन। ओके, सो दैट इज द ड्रॉट प्रोन रीजन ऑफ महाराष्ट्र, क्लियर है? तो ये चीज़ें याद रखो। एनीवेज, तो अगेन कम बैक टू अवर पॉइंट, दैट इज द गुगामल नेशनल पार्क, जो कि अगेन नॉर्थ की तरफ आपको दिखेगा, जहाँ पे हमने गाविलगढ़ रेंजेस देखे थे उसके साउथ में अमरावती कुछ डिवीजन आ जाता है, वहाँ पे मिलेगा आपको। उसके बाद नवेगांव, अगेन देखो ईस्टर्न विदर्भा में आता है, जहाँ पे फॉरेस्टेड पार्ट है, रेड कॉरिडोर जिसको हम बोल सकते हैं कि गढ़चिरौली गोंदिया एक्सेट्रा जो रीजन्स आते हैं महाराष्ट्र के, तो ये छत्तीसगढ़ से जो लग के आएगी, मतलब छत्तीसगढ़ से लग के जो इनके डिस्ट्रिक्ट्स आता है, सो दैट इज़ अंडर द नक्सल प्रोन रीजन। ओके, सो या फॉरेस्टेड रीजन है, सो नवेगांव ये ईस्टर्न पार्ट में आएगा। उसके बाद पेंच जो है वो नागपुर में आएगा, तो यहाँ पे देखो पेंच जो है तो वो आप देख सकते हो, तो यहाँ पे है ना, सो पेंच इज ऑन द बॉर्डर ऑफ एमपी एंड महाराष्ट्र, यहाँ पे ऊपर की तरफ। ओके, जहाँ पे मैंने जूम करके दिया है, तो ये जो डॉट दिख रहा है रेड डॉट, उसके वेस्ट में जाओ यहाँ पे, ठीक है? सो इट इज़ ऑन द बॉर्डर ऑफ एमपी एंड छत्तीसगढ़, पेंच जवाहरलाल नेहरू नेशनल पार्क। और जो हमने एमपी में देखा था पेंच, इंदिरा प्रिय दर्शनी नेशनल पार्क था, बराबर है? तो याद रखना पेंच नेशनल पार्क, सो ये दो स्टेट्स में आता है, एमपी एंड महाराष्ट्र, क्लियर? तो पेंच जो एमपी की तरफ है दैट इज नोन एज द इंदिरा प्रिय दर्शनी पेंच नेशनल पार्क, एंड महाराष्ट्र की तरफ जो है वो जवाहरलाल नेहरू नेशनल पार्क आता है। ओके, तो यहाँ पे हमने जो मोगली वाला देखा था ना, कि मोगली जो रुडियार्ड किपलिंग इनकी जो बुक है मोगली, या इवन मूवी भी आता है इस पर, तो वो ये नेशनल पार्क से लाइक मोटिवेट होके उन्होंने ये बुक जो है वो लिखी थी, ठीक है? सो इसको देख लेना एक बार आप। और यहाँ से जो पेंच है तो पेंच रिवर भी है, जो फ्लो होती है पैन गंगा रिवर को जाके बाद में मिलती है, और वही पैन गंगा प्राणहिता बनती है, प्राणहिता मिलती है गोदावरी को, ऐसा ये पैटर्न अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था, ठीक है? उसके बाद संजय गांधी नेशनल पार्क बोरीवली के रीजन्स में आता है, जो कि मुंबई के रीजन के आसपास आएगा, सो इट इज़ नियर बाय मुंबई, कोई मेट्रोपॉलिटन सिटी के पास इतना बड़ा पार्क होना, ये बहुत ही यूनिकनेस है ये रीजन का। ओके, सो दैट इज द संजय गांधी नेशनल पार्क नियर बाय मुंबई। ओके, मुलुंड एक्सेट्रा रीजन आता है, बोरीवली ये जो रीजन्स है तो उसके एग्जैक्टली बिटवीन ये पार्ट आएगा। देखो मुलुंड बोरीवली दहिसर एक्सेट्रा जो मोस्ट पॉपुलेटेड पार्ट है, तो इसके बिटवीन ये संजय गांधी नेशनल पार्क आता है, ठीक है? तो इसको याद रखो मुंबई के रीजन्स में, ठीक है? सो उसके बाद यूपीएससी समटाइम आस्क लाइक दिस, कि कौन से लेक इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। द पार्क हैज टू इंपॉर्टेंट लेक लाइक विहार लेक एंड तुलसी लेक, तुलसी एंड विहार, ऐसे कुछ लेक्स इसके आसपास जो फेमस लेक्स हैं। सो समटाइम यूपीएससी पूछ ली थी कि फेमस लेक्स यहाँ पे कौन से हैं। ओके, तो संजय गांधी बोरीवली याद रखो, बाकी इंपॉर्टेंट स्पीसीज यहाँ पे दिए हैं, बाद में आप ये नोट्स के थ्रू पढ़ सकते हो। उसके बाद ताडोबा अंधारी आ जाएगा, जो ईस्ट की तरफ आता है फिर से, ठीक है? सो दैट इज द ताडोबा अंधारी, जो अगेन ईस्ट की तरफ आ जाएगा, है ना? मतलब जितने भी नेशनल पार्क से देखो महाराष्ट्र में, वो ज़्यादातर हमें ईस्ट में दिख रहे हैं। 4+2 आप ऐसे फॉर्मूला भी याद रख सकते हो, सो दैट इज द 4+2, ठीक है? मोस्टली 4 जो आते हैं ईस्ट की तरफ है, 2 जो है तो वो वेस्टर्न घाट या वेस्ट की तरफ आ जाएगी, तो इस तरीके से याद रखना इसको, ठीक है? अंडरस्टूड एवरीवन? चलेगा। सो अगेन कम बैक टू नेक्स्ट स्टेट, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द कर्नाटका। ओके, तो अभी कर्नाटका स्टार्ट करते हैं, ठीक है? सो कर्नाटका देख तो देख लो। सो यहाँ पे देखो नॉर्थ की तरफ महाराष्ट्र है, कर्नाटक के नॉर्थ की तरफ कौन है? महाराष्ट्र, अगेन गोवा ऑल्सो देयर टू द नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट। उसके बाद ईस्ट की तरफ तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु टू द साउथ एंड केरला टू द साउथ, ठीक है? देख लो ध्यान से, गोवा,
टू द वेस्ट, जो कारवार एक्सेट्रा सेक्शन लगते हैं वो उत्तर कन्नड़ा रीजन, बेलगाम रीजन, तो ये गोवा से भी लगते हैं और बेलगाम रीजन जो है वो महाराष्ट्र से भी लग रहा है। अगेन महाराष्ट्र एंड इसमें डिस्प्यूट थे तो वो भी देख लेना, बेलगाम अगर आते हैं बेलगाम रिलेटेड इश्यूज तो वो देख लेना एक बार। उसके बाद महाराष्ट्र लगेगा देखो यहाँ पे पूरे से एक्सेट्रा ऊपर के पार्ट से, एंड उसके बाद ईस्ट की तरफ है तेलंगाना, तो कर्नाटक को तेलंगाना भी लग रहा है बराबर है ईस्ट की तरफ। सो उसके बाद आंध्र प्रदेश भी लगता है यहाँ पे ईस्ट की तरफ, कंप्लीटली देखो आंध्र प्रदेश कनेक्ट कर रहा है, एंड साउथ की तरफ देखोगे तो तमिलनाडु लगता है। ओके साउथ की तरफ कौन लग रहा है, तमिलनाडु, और उसके बाद केरला, यहाँ पे आएगा केरला, ठीक है। तो साउथ की तरफ देखो एग्जैक्टली केरला इज ऑल्सो देयर, मंगलुरु जो सेक्शन है देखो उडुपी मंगलुरु सेक्शन, तो उसके साउथ में देखना यहाँ पे केरला लग रहा है कर्नाटक को। सो दैट इज द मैप ऑफ कर्नाटका। ओके एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेंगलुरु देख लेना, सो इट इज ऑल्सो नोन एज द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, सो दैट इज टूवर्ड द साउथ ईस्ट ऑफ कर्नाटका, तो यहाँ पे आएगा बेंगलुरु। उसके ईस्ट में ही देखो कोलार एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दिख रहा है, केजीएफ आप लोगों ने सुना होगा राइट, केजीएफ पॉइंट। सो क्या इंपॉर्टेंट है ये कोलार में बताओ, सो व्हाई दिस कोलार इज इंपॉर्टेंट। यस केजीएफ पता है ना, कोलार गोल्ड फील्ड्स, इंडिया का ऑलमोस्ट 95 to 98% ऑफ गोल्ड यहाँ पे मिलता है गोल्ड माइंस के थ्रू, अगर हम देखेंगे तो मैक्सिमम कोल्स कोल जो सॉरी गोल्ड है तो वो यहाँ पे मिलता है राइट। सो दैट इज़ द वेरी फेमस फॉर द गोल्ड डिपॉजिट्स, तो ये बेंगलुरु के ईस्ट में आएगा। ओके सो इवन रामनगरा में भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे गोल्ड के माइंस है, बट कोलार इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यही याद रख लिया तो भी बहुत है। उसके बाद मैसूरू भी इंपॉर्टेंट है, मैसूर भी देख लेना मैसूरू। उसके बाद नॉर्थ में जाओगे तो इतने इंपॉर्टेंट यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट्स नहीं है, बट अगर करंट में आ जाए कोई पार्ट तो हम बाद में उसको चेकआउट करेंगे ठीक है। सो जब करंट में होते हैं तभी देखना उसको, परफेक्ट होता है। अब सबसे साउथ में देखोगे तो यहाँ पे ये पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो देखते कैसे। सो नाउ लेट अस सी, तो वेस्टर्न घाट महाराष्ट्र से यहाँ पे कंटिन्यू होता है। ओके सो लाइक दिस, सो वेस्टर्न घाट कंटिन्यूज टू द कर्नाटक ऑल्सो। यहाँ पे जैसे महाराष्ट्र में नैरो था थोड़ा सा वेस्टर्न घाट, यहाँ पे ब्रॉड हो जाता है लाइक दिस, मल्टीपल रेंजेस पैरेलल हो जाती है, एक दो हाइट थोड़ी कम हो जाती है बट ब्रॉड है। वेस्टर्न घाट इज ब्रॉड, ब्रॉडेस्ट एट द कर्नाटका, सबसे ब्रॉड कहाँ पे कर्नाटका में, इसलिए वेस्टर्न घाट में हाइएस्ट रेनफॉल कहाँ पे होता है। सो योर आंसर शुड बी द कर्नाटका। ओके सो हाइएस्ट रेनफॉल इज इन द कर्नाटका रीजन। ओके अगुम्बे नाम की एक प्लेस आती है अगुम्बे, सो विच हैव द हाइएस्ट रेनफॉल इन एंटायर वेस्टर्न घाट। ओके वेस्टर्न घाट में सबसे ज्यादा रेनफॉल अगुम्बे ये प्लेस पे होता है, या आउट ऑफ चेरापुंजी मौसिनराम, आउट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया में सबसे हाइएस्ट रेनफॉल आता है अगुम्बे, और ये पार्ट है कर्नाटक का। ओके सो ये वेस्टर्न घाट का ही पार्ट है, बिकॉज वेस्टर्न घाट ये ब्रॉड आती है एंटायर कर्नाटक में। सो उसके बाद यहाँ पे कुछ बाबा बुदान हिल्स भी दिखने को मिलेगा आपको, आपके एटलस एक बार ओपन करो प्लीज, एटलस सामने रखना। सो दैट इज द बाबा बुदान हिल्स, दिख रहे हैं सबको। सो जो वेस्टर्न घाट को ही लग के यहाँ पे आ जाते हैं, सो दिस बाबा बुदान हिल्स अगेन इंपॉर्टेंट बिकॉज इंडिया का सबसे मैक्सिमम कॉफी प्रोडक्शन जो है वो यहाँ पे होता है, इवन इट इज फेमस फॉर द रबर एंड कैशू एक्सेट्रा कल्टिवेशन, सो दैट इज द बाबा बुदान। इवन यहाँ पे जो प्री मॉनसून रेनफॉल होता है सो दैट इज नोन एज द चेरी ब्लॉसम रेनफॉल, चेरी ब्लॉसम रेनफॉल। ओके सो इट इज वेरी फेमस रेनफॉल की जो कॉफी के लिए बहुत ही अच्छा एक रेनफॉल माना जाता है बाबा बुदान हिल्स में। इवन कुर्क जैसा ये जो एक टूरिस्ट पॉइंट है वो भी आपको यहाँ पे बाबा बुदान हिल्स पे ही मिल जाएगा। ओके सो याद रखो ये वेस्टर्न घाट का इंपॉर्टेंट पॉइंट है बाबा बुदान हिल्स, फेमस फॉर द रबर एंड कॉफी प्रोडक्शन। ओके उसके बाद देखो यूपीएससी ने बहुत बार एक बार पूछा, मतलब एक क्वेश्चन है कि मलनाड रीजन इज इन विच स्टेट। ओके सो एग्जैक्टली मलनाड मतलब किसके रिलेटेड है और वो कौन से स्टेट में आता है। सो मलनाड अभी देखो अगर हम कर्नाटक के कुछ पार्ट्स करें तो एक आ गया वेस्टर्न घाट का ये पार्ट है, एक थोड़ा सा ईस्ट की तरफ का ये सेक्शन है, और ये तीसरा सेक्शन है।
तीन सेक्शन आ जाते कर्नाटक के, मेन तीन सेक्शन देखेंगे तो वेस्टर्न घाट ऑब्वियसली यहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा है तो बहुत ही फॉरेस्टेड पार्ट है, तो हम इसको लोकली नाम देते हैं मलनाड। ओके, सो दैट इज़ द मलनाड रीजन। वेस्टर्न घाट का जो पार्ट है तो उसको कहा जाता है मलनाड, सो दैट इज मीन्स द फॉरेस्टेड पार्ट ऑफ कर्नाटका इज नोन एज द मलनाड रीजन। उसके बाद ये ईस्ट वाला पार्ट है जो कृष्णा एक्सेट्रा भीमा का पार्ट आता है, सो दैट इज द मैदान रीजन। सो ये आ जाता है रेन शाडो रीजन। ओके, रेन शाडो रीजन ऑफ द कर्नाटका। तो यहाँ पे थोड़ा सा रेनफॉल कम आएगा। अगर आपको जैसे मैंने महाराष्ट्र का मराठवाड़ा रीजन बताया था, वैसे ही अगर आपको एक्सटेंड करना है कर्नाटक का कोई अरिड रीजन शो करना है, सो यू कैन शो दिस मैदान रीजन ऑफ यस दिस कर्नाटका, ये पार्ट। ओके, जहाँ पे देखो ये रिवर दिख रही है आपको, सो दैट इज़ द भीमा एंड कृष्णा जहाँ से फ्लो होता है, तो उतने रिवर के रीजन्स को ही थोड़ा सा एक इरिगेशन अच्छा है, बट बाकी रीजन्स बहुत ही दिक्कत है यहाँ पे, बहुत ही अरिडिटी है। बिकॉज क्या रीज़न इसके पीछे है, बिकॉज देखो आप वेस्टर्न घाट ये कंटिन्यूस है, मोस्ट कंटिन्यूस है, तो जैसे आपको पता होगा कि विंडवर्ड साइड जो होती है, विंडवर्ड साइड ऑफ माउंटेन, यहाँ पे तो अच्छा खासा रेनफॉल हो जाता है, बराबर है, बट जो लीवर्ड साइड होती है माउंटेन की, लीवर्ड साइड, तो यहाँ पे रेनफॉल कम हो जाता है, सो लीवर्ड साइड इज नोन एज द रेन शैडो रीजन। ओके, सो इसलिए यहाँ पे तो रेनफॉल बहुत अच्छा है ये रीजन्स में, बट जब यही विंड्स कंप्लीट यहाँ पे मतलब 80-90% तक उनके जो मॉइस्चर होल्डिंग होगी, तो यहाँ पे ये रेनफॉल के थ्रू पूरा डिस्चार्ज कर देता है, रेनफॉल यहाँ पे बहुत अच्छा होता है कर्नाटक में, बट जैसे यहाँ से ये मॉइस्चर लैडन क्लाउड्स है जब डिसेंड करते हैं तब यहाँ पे रेनफॉल डिक्रीज हो जाता है और बहुत ही कम मॉइस्चर बचता है जो कि यहाँ पे मिलता है, तो इसलिए कर्नाटक का ईस्टर्न पार्ट जो है वो बहुत ही हम क्या बोल सकते हैं अरिड टू सेमी अरिड में आ जाएगा, अरिड टू सेमी अरिड। ओके, यस एग्जैक्टली, ओरोग्राफिक रेनफॉल, ये कौन सा रेनफॉल है, ओरोग्राफिक रेनफॉल, एग्जैक्टली। तो इसलिए जो मैदान रीजन है तो वहां पे हम बोल सकते हैं लीवर साइड आ जाती है, ओके, इसलिए रेनफॉल यहाँ पे कम हो जाता है, अंडरस्टूड। तो मतलब कौन से रीजन से कि जहाँ पे रेनफॉल कम है, तो जैसे बीदर रीजन है, यादगिरी रीजन है, विजयपुरा, कलबुर्गी, रायचूर रीजन, यहाँ पे बहुत ही रेनफॉल के इश्यूज है, इवन बेलगाम रीजन भी आ जाएगा जो ईस्ट की तरफ आता है, बेलगाम का ईस्ट पार्ट, ठीक है, तो यहाँ पे रेनफॉल कम है, और जबकि रेनफॉल अच्छा कहाँ पे मिलेगा, बेलगाम का वेस्टर्न पार्ट, धारवाड़, देन आफ्टर दैट उत्तर कन्नड़ा, हवेली रीजन, शिमदोगा, यहाँ पे बहुत अच्छा रेनफॉल है, इवन चिकमंगलूर, ये सब जो मैसूर एक्सेट्रा कोडागु रीजन है, यहाँ पे पूरी वेस्टर्न घाट है, तो यहाँ पे मलनाड रीजन है, बहुत अच्छा रेनफॉल है। अब रही बात, आप बोलोगे सर यहाँ पे तो चलो रेन शाडो आ गया, फिर ये भी तो पार्ट रेन शाडो होना चाहिए जो बेंगलुरु प्लाटू है, यहाँ पे कौन सा प्लाटू है, बेंगलुरु प्लाटू। ओके, बेंगलुरु प्लाटू आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे भी तो कम रेनफॉल होना चाहिए था, जो बैंगलोर का सेक्शन है ये वाला साउथ ईस्ट वाला कर्नाटक का, राइट, बट यहाँ पे रेनफॉल इसलिए अच्छा है, इवन यहाँ पे सम टूरिस्ट पॉइंट है, हिल स्टेशंस है ये रीजन में, क्योंकि अब वेस्टर्न घाट जो है नीलगिरी के रीजन के बाद ब्रेक हो जाती है, ये पता होगा ना सबको, ठीक है, तो देखो यहाँ पे नीलगिरी यहाँ पे खत्म हो जाएगा फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे पालघाट नाम की एक गैप स्टार्ट होती है, पालघाट गैप। ओके, सो दैट इज द पालघाट गैप, और यही जहाँ पे ये वेस्टर्न घाट एंड होता है सह्याद्री के पास, तो पालघाट गैप जो है तो वहाँ से बहुत सारी ब्रांचेस जो है वो डायरेक्टली विदाउट लूजिंग देयर मॉइस्चर दे कैन रीच अप टू द बेंगलुरु प्लेटू, सो इसलिए बेंगलुरु रीजन में ये रीजन्स में थोड़ा सा अच्छा खासा रेनफॉल होता है कंपेरेटिव टू दिस अपर सेक्शन, अपर मैदान सेक्शन, मैदान के सेक्शन के कंपैरिजन में बेंगलुरु प्लाटू में एक अच्छा खासा रेनफॉल हो जाता है, इसलिए तो यहाँ पे देखो कावेरी जो रिवर है यहाँ से ही फ्लो होती है, आप देखोगे तो कावेरी, देखो हसन जो पॉइंट है या मंड्या नाम का एक पॉइंट है, तो यहाँ से ही देखो कावेरी फ्लो होती है टूवर्ड तमिलनाडु, बिकॉज यहाँ पे अच्छा खासा रेनफॉल मिल जाता है, बिकॉज पालघाट गैप इज देयर, और ये पालघाट गैप जो नीलगिरी जहाँ पे खत्म होता है या फिर वेस्टर्न घाट जहाँ खत्म होता है, तो वहाँ से फिर एक ब्रांच यहाँ तक रीच कर सकती है, ओके, और आराम से यहाँ पे एक रेनफॉल, मॉडरेट काइंड ऑफ रेनफॉल यहाँ पे प्रोवाइड होता है, सो क्लियर यहाँ तक सबको, बेंगलुरु प्लाटू विल हैव मॉडरेट टाइप ऑफ रेनफॉल, मॉडरेट टाइप ऑफ रेनफॉल, अंडरस्टूड, क्लियर एवरीवन अप टू दिस,
सो बाकी बेंगलुरु प्लाटू में तो आईटी सेक्टर वगैरह वही ज़्यादातर याद रखो उसके लिए फेमस है, और बाकी देखा जाए तो फिर डिफरेंट माइंस ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे कोल भी मिलता है, आयरन भी बहुत अच्छा मिलता है, एंड गोल्ड, है ना, ये तीन चीज़ें याद रखो, एंड इवन बॉक्साइट ऑल्सो। ओके, सो दैट इज बॉक्साइट ऑल्सो। सो दीज मिनरल्स आर फेमस इन द कर्नाटका रीजन। ओके, अंडरस्टुड? एनी क्वेश्चन आफ्टर दिस? कर्नाटक के बारे में कोई क्वेश्चन है किसी का? एंड रही बात रिवर्स, तो रिवर्स देखते हैं। नाउ लेट अस हैव लुक ऑन द रिवर्स। सो भीमा, जो देखो भीमा यहाँ से ऊपर से आ रही है, एंड दैट इज द कृष्णा रिवर, है ना। सो ये भीमा एंड कृष्णा मिलती है कुरगुडी नाम का प्लेस। पहले ये दो रिवर देख लेना, उसके बाद बाकी देखते हैं। सो देखो महाराष्ट्र की तरफ से भीमा आ रही है, यहाँ पे दिख रहा है सबको, ठीक है, ध्यान से देख लो इसको। एंड उसके बाद कर्नाटक में देखो और एक रिवर इंपॉर्टेंट है, कृष्णा रिवर, जिसके ट्रिब्यूटरीज भी आपको दिखेगी, घाट प्रभा, मल प्रभा। सो ये कृष्णा के ट्रिब्यूटरीज है, तुंगाभद्रा ऑल्सो, बट तुंगाभद्रा तेलंगाना में जाके मिलती है, ठीक है। घाट प्रभा, मल प्रभा कर्नाटक में ही मिलता है, इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा। देन सबसे इंपॉर्टेंट लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी, दैट इज द भीमा। तो भीमा मिल गई यहाँ पे, उसके बाद एज अ कृष्णा एक्सटेंड करेगी, बाद में तेलंगाना जाएगी, और तेलंगाना में तुंगाभद्रा एक रिवर मिलती है, और उसके बाद तेलंगाना से ये आंध्र प्रदेश में कंटिन्यू होगी। देखो इसके बाद ये आंध्र प्रदेश जाएगी, ठीक है। सो इट गोज टू द आंध्र प्रदेश, एंड आफ्टर दैट बे ऑफ बंगाल। सो दैट इज द कृष्णा। सो याद रखना कि कृष्णा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ द कर्नाटका। ओके, नॉट गोदावरी, गोदावरी और कर्नाटक का कोई रिलेशन नहीं है। और उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिवर इन दिस पार्ट, सो दैट इज द कावेरी। ओके, सो ऐसे देख लो यहाँ पे, कावेरी में थोड़ा सा पहले हाईलाइट कर लेता हूँ। सो दिस इज द कावेरी, ओके, जो कि तमिलनाडु जाएगी, और उसके बाद इट गोज टू बे ऑफ बंगाल। सो देख लो यहाँ पे, सो कावेरी ओरिजिनेट फ्रॉम द वेस्टर्न घाट। ब्रह्मगिरी हिल्स ही इसका पॉइंट है, इसका भी सेम पॉइंट है ब्रह्म, मतलब लाइक गोदावरी वो अलग है, बट नाम वो लोकेशन का सेम है। सो दैट इज द ब्रह्मगिरी हिल्स, कावेरी फ्लोज फ्रॉम ब्रह्मगिरी हिल्स, या इवन नीलगिरी से भी ये फ्लो होती है। ओके, वेस्टर्न घाट इसका रहेगा पॉइंट। सो कावेरी की कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज यहाँ पे आप देख सकते हो, हेमवती, शिमसा, कब्बानी जो साउथ से आती है, नॉर्थ की तरफ से देखो हेमवती, शिमसा मिलती है, एंड अक्रावती। ओके, हेमवती, शिमसा, अक्रावती फ्रॉम द नॉर्थ, एंड कब्बानी फ्रॉम द साउथ। ओके, और ये अब देखो बैंगलुरु जो आएगा तो वो थोड़ा सा स्लाइटली ऊपर की तरफ है बैंगलुरु। अब बैंगलुरु को पोटेबल वाटर या ड्रिंकेबल वाटर प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे एक डैम बन रहा था लास्ट 2 ईयर्स है, तो उस पर स्टे लाया गया, तमिलनाडु ने बहुत अपोज किया इसको। तो वॉट इज द नेम ऑफ दैट डैम विच इज ऑन द कावेरी रिवर, यहाँ पे आ जाएगा वो डैम कौन सा है बताओ, कि जो रिसेंटली डिस्कशन में चल रहा है। यस, वेरी नाइस अंजलि, एंड दैट इज द मेक्केडेट्टू प्रोजेक्ट। ओके, सो दैट इज द मेक्केडेट्टू प्रोजेक्ट, इट इज ऑन द कावेरी रिवर। ओके, तमिलनाडु में जाओ, तमिलनाडु में अगर आप जाते हो तो तमिलनाडु में कुछ दूसरा नाम है, यहाँ पे देखो ये यहाँ पे आ जाएगा वो प्रोजेक्ट, तो वो दूसरा है स्टैनले प्रोजेक्ट। ओके, सो दैट इज द स्टैनले। तो दो कावेरी पे इंपॉर्टेंट डैम है देख लेना। सो दैट इज द मेक्केडेट्टू जो अभी रिसेंटली डिस्कशन में है, कंटिन्यूसली डिस्कशन में है। कृष्ण राजा सागर भी एक रिजर्वायर है, वो भी इंपॉर्टेंट है, पीछे की तरफ आता है, उस पर कोई इशू नहीं है, बट मेक्केडेट्टू रिलेटेड तमिलनाडु ने बहुत अपोज किया था। ओके, सो दैट इज द मेक्केडेट्टू। उसके बाद स्टैनली रिजर्वायर वो तमिलनाडु में आता है, सो इट इज यूजफुल फॉर द तमिलनाडु, ठीक है। तो बेंगलुरु इज नॉट ऑन द कावेरी रिवर, वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ आ जाएगा। ओके, तो कौन से रिवर पे कौन सी सिटी है वो भी इंपॉर्टेंट है, लास्ट 1-2 साल में वो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके, तो कावेरी ध्यान से देख लो एक बार, ठीक है। उसके बाद ये जाएगी तमिलनाडु, और तमिलनाडु में जाके मिलती है बे ऑफ बंगाल। ओके, तमिलनाडु याद रखना, कावेरी फ्लोस टुवर्ड द तमिलनाडु। उसके बाद देखो यहाँ पे वेस्टर्न घाट से कुछ वेस्ट की तरफ भी इंपॉर्टेंट रिवर फ्लो होती है, सो दैट इज द नेत्रावती, ओके, शरावती एंड काली नदी। ओके, काली नदी, नेत्रावती एंड शरावती, तो इसमें से जो इंपॉर्टेंट है वो है शरावती रिवर।
वाई शरावत इज इम्पोर्टेंट बताओ, जो सेकेंड नंबर है, फर्स्ट काली नदी है ऊपर जो आपको वेस्ट की तरफ जाते हुए दिख रही है, सो दैट इज काली नदी, सेकेंड जो दिख रही है वो है शरावती, सो वाई इट इज इम्पोर्टेंट शरावती, जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, सो वाई इट इज इम्पोर्टेंट, फास्ट, वाई दिस शरावती इज इम्पोर्टेंट, यस एग्जैक्टली, सो द हाइएस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया दैट इज द जोग फॉल ना, तो यहाँ पे आता है जोग फॉल, इट इज ऑल्सो नोन एज द गिर सिप्पा, ओके, सो इट इज द हाइएस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया, सो यही रिवर पे मिलेगा आपको, विच रिवर दैट इज द शरावती रिवर, ओके, जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ठीक है, जो कि एक वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ओके, सो याद रखना इसको, वेस्ट फ्लोइंग रिवर शरावती पे ही आपको जोग या गिर सिप्पा वाटरफॉल मिलेगा, विच इज द हाइएस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया, ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द कर्नाटका, आई होप एवरी वन अंडरस्टूड अबाउट द कर्नाटका, ठीक है, एनी क्वेश्चन, कर्नाटका के बारे में कुछ क्वेश्चन है किसी का, फास्ट, एनी क्वेश्चन अप टू कर्नाटका, ठीक है, सो बाकी माइंस वगैरह क्लियर है सबको, कौन से माइंस इंपॉर्टेंट है, या ये जो रीजन है सदर्न बेंगलुरु प्लाटू इज इंपॉर्टेंट फॉर द डिफरेंट मिनरल्स, ओके, मिनरल्स के लिए इंपॉर्टेंट यही पार्ट है, ओके, बाकी ये रेनफॉल एक्सेट्रा उसके लिए फेमस है, और नॉर्थ ईस्ट थोड़ा सा अरिड सेक्शन है, एग्रीकल्चर जो भी है एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट है, ओके, तो चलेगा, तो यहाँ तक आई होप कर्नाटका इज क्लियर टू एवरीवन, नाउ लेट अस सी द सम नेशनल पार्क्स ऑफ द कर्नाटका, ओके, सो कर्नाटका के कुछ नेशनल पार्क्स देखते हैं, सो जस्ट वेट, सो लेट अस सी, सो दैट इज द कर्नाटका नेशनल पार्क्स ऑफ कर्नाटका, ओके, सो अंशी नेशनल पार्क कौन से आते हैं देखो, सो दैट इज द अंशी नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, बानेरघट्टा, आफ्टर दैट कुद्रेमुख नेशनल पार्क एंड नगरहोल नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क, सो नाउ टेल मी दैट कि कौन से नेशनल पार्क इसमें से नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के पार्ट है, फास्ट आंसर फास्ट, एंड ये 2019 का भी क्वेश्चन है और 18 में भी प्लस माइनस ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया था, सो विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पार्ट्स ऑफ NBR, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, फास्ट एवरीवन, चलो बताओ क्या होगा आंसर, यस ओनली बांदीपुर, ओनली बांदीपुर, यस नगरहोल ऑल्सो देयर ना, यस सो देखो नगरहोल एंड बांदीपुर, ओके, सो बांदीपुर एंड नगरहोल, सो दीज टू आर द पार्ट्स ऑफ, यस दैट इज द नीलगिरी, क्लियर है, यस अंडरस्टूड, तो देखो ये बाकी भी पार्ट्स देख लेना एक बार, सो अंशी नेशनल पार्क जो है अंशी दंडेली ऐसे भी कहा जाता है, ये ऊपर की तरफ आएगा नॉर्थ वेस्ट की तरफ है, देखो यहाँ पे अंशी यहाँ पे आ जाएगा, अंशी दांडेली रीजन में आता है, तो नॉर्थ वेस्ट मतलब गोवा जैसे खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे अंशी नेशनल पार्क मिलेगा, ओके फर्स्ट, उसके बाद बांदीपुर जो है यहाँ पे आ जाएगा ऑन एंड अराउंड दिस रीजन, जो सेंटर पॉइंट है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का, एक सेंटर पॉइंट है जहाँ पे वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट एक साथ आते हैं, वही नीलगिरी के सेंटर पे आ जाएगा बांदीपुर, यहाँ पे सेंटर पॉइंट में, बांदीपुर के थोड़ा नॉर्थ वेस्ट में देखो नगरहोल भी मिल जाएगा आपको, नगरहोल इज ऑल्सो देयर, ओके, एंड कुद्रेमुख जो है तो वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ आ जाएगा, यहाँ पे उसका कोई रिलेशन नहीं है, एंड उसके बाद नगरहोल जो है अगेन हमने ऑलरेडी कवर किया, बानेरघट्टा जो है तो वो थोड़ा सा ईस्ट की तरफ आएगा, ओके, सो देयर इज द बानेरघट्टा, यू कैन सी दिस, बैंगलोर के साउथ में देखो देयर इज द बानेरघट्टा, ओके, सो दैट इज द बानेरघट्टा, बैंगलोर के ही साउथ में मिल जाएगा आपको, दिख रहा है यहाँ पे सबको, ठीक है, सो नाउ लेट अस सी, सो अंशी यहाँ पे फेमस है कि ब्लैक पैंथर्स के लिए बहुत फेमस है ये, इसको काली टाइगर रिजर्व का भी पार्ट इसका ही मतलब कुछ पार्ट होगा,
सो जिसको काली टाइगर रिजर्व फॉर्मली अंशी नेशनल पार्क इज प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ द टाइगर रिजर्व ऑल्सो है. सो ये उत्तर कन्नड़ा में आता है, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले उत्तर कन्नड़ा दिखा था यहाँ पे. सो दिस द उत्तर कन्नड़ा. ओके सो यहाँ पे मिलेगा ये आपको अंशी, दिख रहा है सबको? सो ये रहेगा अंशी का पार्ट. ओके सो अंशी नेशनल पार्क मतलब इसका और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का कोई संबंध नहीं, बिकॉज नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व बहुत नीचे आता है ना. तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व बहुत नीचे आ जाएगा, ये उत्तर कन्नड़ा में आता है. सो बाकी बस इतना ही इंपॉर्टेंट देख लेना, बाकी ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है. बांदीपुर देख लो, यहाँ पे मिलेगा बांदीपुर. ये पूरा नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है. देखो जितना भी आपको दिख रहा है ये पूरा नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है, कि जिसमें बांदीपुर, मुदुमलाई, नगर होल, मुखुर्ती, साइलेंट वैली जो कि केरला में आता है, ये पूरे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के पार्ट है. ओके तो उसमें से बांदीपुर जो वो सेंटर में आ जाएगा. ओके तो देखो बांदीपुर इज टू द सेंटर एंड इट इज़ द पार्ट ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व. देखो द सेकेंड हाइएस्ट टाइगर पॉपुलेशन इन इंडिया अगर कहाँ पे मिलता है, सो दैट इज द बांदीपुर. ओके एंड टुगेदर विद द एडजॉइनिंग नगर होल, मुदुमलाई, वायनाड. ओके सो ये सब किसके पार्ट है? नीलगिरी के पार्ट है. एंड यहाँ से जो इम्पोर्टेंट कावेरी की ट्रिब्यूटरी कब्बानी, तो वो यहाँ से ही फ्लो होती है. द पार्क इज फ्लैंक्ड बाय द काबिनी रिवर इन द नॉर्थ एंड मोयार रिवर इन द साउथ. तो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी कावेरी की, तो वो यहाँ से फ्लो होती है. इस बार 2020 का ही यूपीएससी का क्वेश्चन है कि कौन से नेशनल पार्क के आसपास से कावेरी फ्लो होती है, और बांदीपुर ऑप्शन है. तो यस इट इज़ राइट. ओके मोयार रिवर या ये सब मतलब बेसिन में ही आते हैं ना, उसके बेसिन के आसपास ही होगी. सो बाकी एलिफेंट्स वगैरह के लिए तो सबसे कोर पॉइंट ही है, बहुत सारे एलिफेंट्स का ये इंपॉर्टेंट कॉरिडोर से कि एक नेशनल पार्क से दूसरे नेशनल पार्क यहाँ पे जा सकते हैं. सो एलिफेंट्स, गौर, टाइगर, बियर्स, डिफरेंट एंटीलोप्स, ढोल्स हो गए, तो इनका मेन पॉपुलेशन यहाँ पे रहेगा. ओके यस यू कैन फाइंड आउट दिस नोट्स ऑन अन अकेडमी स्पेशल क्लासेस. स्पेशल क्लासेस को आप विजिट करो, जो अन अकेडमी ऐप पे होते हैं आपके, तो वहाँ पे आप मतलब एक बार एंटर हो जाओ तो आपको मेरे स्पेशल क्लासेस दिख जाएंगे. और वहाँ पे स्पेशल क्लासेस जो इसके पहले नेशनल पार्क, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा आपको, पुराने क्लासेस में आपको जाके इसके पीडीएफ मिल जाएंगे. ओके जहाँ पे ऑल नेशनल पार्क थ्रू मैप्स, ऐसे मैंने सेशन कंडक्ट किए थे, वहाँ पे आप जाके डाउनलोड कर सकते हो. अंडरस्टूड? ठीक है. सो ये हो गया बांदीपुर. देखो एक बार फिर से देख लेना, इसके बाद गलत नहीं होना चाहिए. यूपीएससी 2020 का भी क्वेश्चन इस पे ही था, यूपीएससी का फेवरेट एरिया है. सो दैट इज दिस मैसूर के आसपास से, ये देखो ऊपर की तरफ से कावेरी फ्लो होती है यहाँ से, ऐसे कुछ है ना. तो ये पूरे पार्ट है देखो. तो एनबीआर इंक्लूड्स नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, इंक्लूड्स अरालम, मुद्दुमलाई, मुखुर्ती, नगर होल, बांदीपुर, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, वायनाड, करीमपुज्जा एंड सत्यमंगलम. सो ये सब के सब एनबीआर के पार्ट है. एंड एज इट इज क्वेश्चन ये था 2018 एंड 19 का, 2018-19 में सेम यहाँ से क्वेश्चन आए थे. ओके कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पार्ट्स ऑफ द नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व. सो इसके बाद याद रखो अरलम, मुद्दुमलाई, मुखुर्ती, नगर होल, बांदीपुर, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, वायनाड, करीमपुज्जा एंड सत्यमंगलम. इसके बाहर कुछ भी नहीं, इसके बाहर कोई भी ऑप्शन दे यूपीएससी वो गलत होगा. अगर मैं इसके बाहर अंशी ऑप्शन दे दूंगा वो गलत है, समझ पा रहे हो? इसके अलावा मैं अगर दूसरा और जो ऑप्शन हमारा एक था, फॉर एग्जाम्पल बानेरघट्टा अगर दे दूँ तो वो भी गलत है. तो जितने यहाँ पे दिए हैं आपको दिख रहे सामने, उतने ही नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के पार्ट है. अंडरस्टूड एवरीवन? ठीक है. और कावेरी जो है तो इसके आसपास से ही फ्लो होती है. उसके बाद देखो बानेरघट्टा बहुत ही नॉर्थ ईस्ट में आ जाता है, जिसका और नीलगिरी का कोई संबंध नहीं. नीलगिरी बहुत नीचे है, बानेरघट्टा ऊपर है, कावेरी के भी ऊपर आ जाएगा. सो दैट इज द बानेरघट्टा. ओके सो ये बैंगलोर के आसपास आता है, लोकेटेड नियर द बैंगलोर. सो विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क लोकेटेड नियर बैंगलोर, सो योर आंसर शुड बी द बानेरघट्टा. द पार्क इज पार्ट ऑफ द वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर, बीआर हिल्स आता है, सत्यमंगलम फॉरेस्ट उसके आसपास आता है. तो ये सब पार्ट्स उसके आसपास मिल जाएंगे आपको, ठीक है. उसके बाद एक कुद्रेमुख नेशनल पार्क एक रह गया था हमारा. सो ये भी नॉर्थ वेस्ट में आएगा, इसका भी नीलगिरी से कोई रिलेशन नहीं है, बिकॉज नीलगिरी नीचे आ जाता है, ये नॉर्थ वेस्ट की तरफ आ जाएगा. चिकमंगलूर नाम का डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर मिल जाएगा आपको ये, ठीक है. सो देखो यहाँ पे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, उसके नॉर्थ वेस्ट में कुद्रेमुख है. ओके सो इट इज सेकेंड हाईएस्ट पीक आफ्टर मुलायनगिरी, कर्नाटक का सबसे हाईएस्ट पीक मुलायनगिरी आता है, उसके बाद का ये कुद्रेमुख जो पार्ट है, तो उसके बाद ये सबसे हाईएस्ट आता है.
सो हॉर्स फेस लाइक है, इसलिए इसको कुद्रे मुख, कुद्रे मीन्स हॉर्स एंड मुख मीन्स फेस, तो ये हॉर्स लाइक दिखता है, हॉर्स लाइक, इसको इसलिए इसको कहा जाता है कुद्रे मुख, लाइक दिस। ओके, एंड द पार्क कॉन्स्टिट्यूट अ चेन ऑफ रोलिंग विद अ मोजैक नेचुरल ग्रास लैंड, शोला फॉरेस्ट भी यहाँ पे मिलेगा। शोला फॉरेस्ट एग्जैक्टली क्या होता है? सो वॉट इज द शोला फॉरेस्ट? सो यूजुअली जो 2000 मीटर से भी ऊपर आपको फॉरेस्ट मिलेगा, यूजुअली 2000 मीटर तक भी एक अच्छा फॉरेस्ट मिलता है ये हाइट पे, तो उसको हम यूजुअली शोला फॉरेस्ट कहते हैं। एंड दिस इज द फीचर ऑफ द नीलगिरी रीजन या वेस्टर्न घाट। नीलगिरी बायोस्फीयर में भी बहुत अच्छा ये फीचर है, शोला फॉरेस्ट एंड इवन इन द वेस्टर्न घाट। बट मोस्टली कर्नाटक, तमिलनाडु एंड केरला, इनके जंक्शन के जो पॉइंट्स हैं या ये जो स्टेट्स हैं साउथ वाले, तो यहाँ पे ये शोला फॉरेस्ट आपको स्पेशलिटी मिलेगी, है ना। तो यूपीएससी के नाम लाइक दिस कि शोला फॉरेस्ट यूजुअली कहाँ पे मिलता है, जैसे तराई फॉरेस्ट कहाँ पे मिलता है, तो फिर वो शिवालिक के पास है, बराबर है। तो अलग अलग तरीके से ऐसे पूछ सकते हैं, तो शोला कहाँ पे मिलता है? सो योर आंसर शुड बी द सदर्न इंडिया, मोस्टली इन द नीलगिरी एंड नियर बाय रीजन। ओके, यस। तो ये हो गया कुद्रेमुख। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पीसीज है, दैट इज द लायन टेल मकाऊ, जो कि यहाँ पे एंडेमिक स्पीसीज है, मतलब यहाँ पे ही मिलती है एंड ये बहुत ही रेयर है, एंड इवन इट इज एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। सो इट इज़ अ लायन टेल मकाऊ इज़ वन ऑफ द रेयरेस्ट मकाऊ इन द वर्ल्ड, एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट, इट इज़ एंडेंजर स्पीसीज अकॉर्डिंग टू IUCN। एंड ये फ्रूट्स, नट्स एक्सेट्रा, मतलब ये देख लेना यहाँ पे। एरबोरियल मतलब क्या होता है बताओ? सो वॉट इज द मीनिंग ऑफ एरबोरियल मैमल? वॉट इज द मीनिंग ऑफ एरबोरियल, क्या होता है इसका मीनिंग? फास्ट, एर्बोरियल का मीनिंग क्या है? फास्ट एवरीवन, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एर्बोरियल? एर्बोरियल मैमल ऐसे बहुत बार मिलेगा आपको। हुलॉक गिबन को भी एर्बोरियल मैमल कहा जाता है, जो कि नॉर्थ ईस्ट में मिलता है, जैसे लायन टेल मकाऊ साउथ में मिलता है, हुलॉक गिबन नॉर्थ ईस्ट में मिलता है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस एर्बोरियल? नहीं पता है तो डोंट नो लिखो, कुछ तो रिप्लाई करो, लाइव चैट बॉक्स है आपके पास, यहाँ पे रिप्लाई कर सकते हो। प्लीज बी इंटरेक्टिव इन द क्लासेस। क्या होगा आंसर इसका? नो आइडिया। नहीं, वैसा तो नहीं है, दोज हु ओनली, नहीं, वैसा भी नहीं है। सो मोस्टली द एनिमल्स, ओके, विच स्पेंड देयर मोस्ट ऑफ द टाइम ऑन द टॉप ऑफ द ट्री, है ना, ऑन द टॉप ऑफ द ट्रीज, तो जो ट्रीज के ऊपर ही अपना ज्यादातर टाइम स्पेंड करते हैं, उनको कहा जाता है एर्बोरियल। ओके, यस, जो ज्यादा, वेरी गुड आफ्ताब, तो आपने सही बताया कि जहां पे जो ज्यादातर ट्रीज पे ही रहता है, जैसे हुलॉक गिबन देखो आप, या लायन टेल मकाऊ है, तो ये ज्यादातर ट्रीज के ऊपर ही रहता है, यस, तो उनको कहा जाता है एर्बोरियल मैमल्स, ओके, या एर्बोरियल टाइप ऑफ एनिमल्स, अंडरस्टूड। ये मंकीज वगैरह वो नीचे भी दिख जाएंगे, इसलिए इनको एर्बोरियल नहीं बोलते हैं, ठीक है। बाकी दिस मलबार स्लेंडर लोरीस एक्सेट्रा, ये भी यहाँ की स्पेशलिटी, याद रखना। ओके, एनीवेज, तो चलो आपको कुछ ये वर्ड्स पता होने चाहिए, कभी कभार देख लेना उसको। एंड नाउ नगर होल, सो इट इज अ पार्ट ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर जोन, तो नगर होल भी पार्ट आ जाएगा नीलगिरी बायोस्फीयर जोन का, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, ठीक है। सो देख लेना, ये मैसूर डिस्ट्रिक्ट में आता है, ओके, एंड इट इज अ पार्ट ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर जोन। ब्रह्मगिरी हिल्स, जहाँ से कावेरी ओरिजिनेट होती है, वही हिल्स पे इसका लोकेशन है, तो मतलब कावेरी के भी आसपास आ जाएगा ये पार्ट। ओके, सो ब्रह्मगिरी हिल्स याद रखो। उसके बाद एडजॉइनिंग इसको बांदीपुर आता है, मुद्दुमलाई आता है, वायनाड आता है, इसलिए तो ये सब लोकेशंस हमने देखा था NBR में कनेक्टेड है, नीलगिरी बायोस्फीयर जोन में भी आ जाता है। ओके, चलेगा। तो बाकी थ्रेड्स वगैरह तो यहाँ पे रहेंगे, बाद में आप नोट्स में से पढ़ लो, चलेगा। तो चलो, एनीवेज, यहाँ तक क्लियरिटी है सबको? चलो, तो कुछ क्विज लेते हैं आज और फिर सेशन को एंड करते हैं। सो नाउ आंसर दिस क्वेश्चन। चलो, अभी तक हमने पूरा नॉर्थ ईस्ट कवर किया है, तो ये आंसर सबको आना चाहिए, एंड उसके बाद नॉर्थ इंडिया भी हमने कवर किया है,
तो कुछ 3 4 क्वेश्चन अटेंड करते हैं एंड देन वी विल एंड अप विद द क्लासेस। तो नेक्स्ट क्लास जो होगा हमारा नेक्स्ट सैटरडे को होगा सेम, जहाँ पे हम तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड केरला कवर करेंगे। सेम टाइम सेव करके रखो माइंड में भी आपके एंड आपके स्केड्यूल में भी, कि सैटरडे एंड संडे आपको कुछ भी हो जाए 12 बजे सेशन अटेंड करना है अन एकेडमी आर्टिकलेट पे। किसी के नोटिफिकेशन के किसके वेट नहीं करना है, अपना अपना याद रहना चाहिए हमें कि सैटरडे और संडे को 12 बजे अन एकेडमी आर्टिकुलेट पे सेशन होगा हमारा। ओके तो ये सबको याद रखना है। चलो नाउ आंसर फास्ट। सो व्हाट इज द आंसर? यस, इट इज ऑल्सो नोन एज फोमदीज। लोकटक लेक कहाँ पे आते हैं? मणिपुर में है ना। सो ये आते हैं मणिपुर में, जो आपका केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, हमने देखा था केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, तो उसके आसपास ये लोकटक आता है फोमदीज, जिसको लोकली कहा जाता है सर्व एज अ सोर्स ऑफ वाटर एंड हाइड्रो पावर जनरेशन। यस, इसी का तो थ्रेट इसको लिए उसके लिए हुआ है, इसलिए हमने इसको रामसर के मॉन्ट्रेक्स लिस्ट में डाला है। एंड वाइल्ड चिल्का इज रिमूव फ्रॉम द लिस्ट। यस एग्जैक्टली, तो मॉन्ट्रेक्स लिस्ट में इसको ऐड किया गया था। अभी मॉन्ट्रेक्स लिस्ट में 2 एंट्री है, लोकटक लेक एंड केवला देव घाना। ओके, केवला देव घाना है ना। सो केवला देव घाना जो राजस्थान में आता है, तो ये 2 पॉइंट आ जाएंगे, बस इतने याद रखो। सो आंसर इज द डी। ओके तो आंसर डी याद रखो इसका। उसके बाद नेक्स्ट है, चलो बताओ इसके बारे में क्या आंसर होगा इसका। व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस? फास्ट, ओनली वन स्टूडेंट, सबको आंसर करना है इसका फास्ट। ओके सो आंसर इज ए बाय मैक्सिमम स्टूडेंट्स, बट इट इज रॉन्ग, द आंसर इज बी, बिकॉज मॉन्टेक्स लिस्ट में आता है, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ओके एंड जो वेटलैंड, इट इज अ पार्ट ऑफ इंडो गैंजेटिक प्लेन। यस, तो ये इंडो गैंजेटिक प्लेन्स के बिटवीन ही आता है। ओके एंड ये पार्ट ऑफ इंडो गैंजेटिक प्लेन ले सकते हैं, बिकॉज इंडस का जो पार्ट है एंड गंगा का जो पार्ट है, तो इसके बिटवीन ही, मतलब ये एंशियंटली अगर देखा जाए तो यहाँ से भी ये रीजन कवर होता था। ठीक है, तो हम इसमें इंडो गैंजेटिक में इसको कंसिडर करते हैं, बट चंबल और इसका कोई रिलेशन नहीं, चंबल बहुत दूर आ जाती है। ओके सो केवलादेव घाना इज अ मैन मेड एंड वेटलैंड पार्ट। सो द वेटलैंड इज द पार्ट ऑफ द इंडो गैंजेटिक ग्रेट प्लेन्स। द पार्क इज अ फ्रेश वाटर स्वैम्प, इज फ्लडेड ड्यूरिंग द मानसून, एंड ये मानसून में ही थोड़ा सा फ्लडेड सिचुएशन में हो जाता है। चंबल बहुत दूर है ना, जो कोटा एक्सेट्रा रीजन है कर्नाटक के, वहाँ से ये फ्लो होती है चंबल। सवाई माधवपुर में इसको चंबल को जो ऊपर से बनास आके मिलती है, तो इसलिए इसमें और केवलादेव में बहुत बड़ा डिस्टेंस है, तो इसलिए केवलादेव और इसका कोई रिलेशन नहीं आएगा। ओके सो दैट्स वाई सेकेंड स्टेटमेंट ये रॉन्ग आ जाएगा, सॉरी थर्ड स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग आ जाएगा, ओनली 1 एंड 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या होगा इसका आंसर? देखो इंडियन ज्योग्राफी हम जितना कवर करें उतने स्टेट में से आपको सेल्फ स्टडी भी करना है, जिसके अकॉर्डिंगली आपको बहुत सारे पॉइंट समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा मत करो कि बस हमने पढ़ा दिया, मतलब उतने पे ही डिपेंड नहीं रहना, आपको खुद भी कुछ चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। ओके, डैम्स हो गए, रिजर्वायर्स हो गए, या फिर रिवर का मर्जिंग पॉइंट एक्सेट्रा, इसके लिए सेल्फ स्टडी आपकी रेडी होनी चाहिए। चलो आंसर क्या है इसका बताओ फास्ट। रणथंबोर नेशनल पार्क, कॉन्फ्लुएंस ऑफ बनास एंड चंबल, हरिके, बियास एंड रावी, ऐसे कुछ दिया है। एटलीस्ट कुछ स्टेटमेंट आपको कट करते आने चाहिए। देखो बियास एंड रावी पे हरिके कैसा आएगा? बियास एंड सतलज है ना, बियास ऊपर से आती है, सतलज ऐसे आती है, पंजाब में हमने क्या देखा था। तो जो सी दे रहे, एटलीस्ट सी तो आंसर मत करो। तो बियास एंड सतलज ये दोनों मर जाते हैं, और वहां से हमने इंदिरा गांधी कैनाल देखा था ना, कितना अच्छे से पढ़ाया था मैंने आप लोगों को,
तो इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड तो नहीं होना चाहिए, कन्फ्लुएंस ऑफ बीएस एंड रवि, ये तो गलत है। ओके सो सेकंड तो कट कर दो, एटलीस्ट इसमें ऑप्शन होगा ना, ए एंड बी में ही कुछ ना कुछ आंसर होगा हमारा। अगेन गरिमा इतना बताने के बाद भी आप सी लिख रहे हो। सो वन तो वैसे भी राइट है, बराबर है, वन तो वैसे भी राइट आ जाएगा, तो इसको वन को देखने की जरूरत ही नहीं है। तो बस हमें देखना है कि थ्री तुलबुल वाला राइट है कि नहीं, बराबर है। तो आंसर इज द बी, वन एंड थ्री, तुलबुल इज राइट। रणथंबोर इज ऑन द कन्फ्लुएंस ऑफ बनास एंड चंबल, तो सवाई माधोपुर जो मैंने आपको बताया था, तो बनास जो अरावली से आती है बनास, एंड चंबल जो मालवा से आती है, तो ये दोनों मिलते हैं सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर यहाँ पे, और यही पॉइंट पे आपको मिल जाएगा रणथंबोर। ओके रणथंबोर, ओके ऑन द बनास एंड चंबल के कन्फ्लुएंस पे, तो फर्स्ट इज राइट। एंड झेलम पे आपको मिल जाएगा तुलबुल प्रोजेक्ट, सो फर्स्ट एंड थर्ड इज राइट, ओनली सेकेंड जो है वो यहाँ पे सतलज चाहिए थी। अंडरस्टूड, क्लियर है? ओके ग्रेट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पढ़ाया था शायद मैंने आपको डिफरेंट सेशंस में। अरुणाचल प्रदेश में अभी देखोगे तो सेक्स रेशो में सबसे हाईएस्ट सेक्स रेशो अगर हम देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश में आता है, मोर देन 1080 से भी ज़्यादा निकल चुका है। एंड अरुणाचल में सबसे लोएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन आती है, सेक्स रेशो सबसे ज़्यादा है, लोएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है, ओनली 19 के आसपास कुछ इनका पॉपुलेशन डेंसिटी है। अब रही बात फॉरेस्ट, तो इसके बारे में क्या राइट है क्या रॉन्ग है आप बता दो मुझे। चलो बताओ फास्ट, क्या राइट होगा क्या रॉन्ग है, क्या आंसर है बताओ फास्ट। देखो चाहे फॉरेस्ट परसेंटेज हो या बाय एरिया हो, ओके फॉरेस्ट परसेंटेज और बाय एरिया, तो सेकंड इज द अरुणाचल प्रदेश। ओके सेकंड इज द अरुणाचल प्रदेश, बाय फॉरेस्ट हो बाय एरिया हो, फॉरेस्ट बाय परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर स्टेट देखेंगे तो मिजोरम आता है फर्स्ट, बाय एरिया वाइज सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट ज़्यादा है तो वो है एमपी में, अकॉर्डिंग टू ISFR रिपोर्ट, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अकॉर्डिंगली। अब नया रिपोर्ट आ जाएगा 2 साल, एवरी 2 ईयर को इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट निकलता है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के थ्रू। अब 2022 का आएगा तो नए रिपोर्ट में देखेंगे क्या होता है क्या नहीं, बट अभी पुराना ही कंसिडर करें तो फिर दोनों भी, ये सेकेंड मतलब ये फर्स्ट स्टेटमेंट तो राइट है। एंड मैंग्रोव के बारे में अगर हम देखेंगे सो दैट इज ऑल्सो राइट। ओके सो फर्स्ट लार्जेस्ट आपको मिलेगा कहाँ पे, सो दैट इज इन वेस्ट बंगाल। गुजरात में जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट मैंग्रोव कवर मिल जाएगा, बिकॉज देखो ना आप गल्फ ऑफ कच्छ से लेके गल्फ ऑफ खंबात तक बहुत बड़ा पार्ट कवर्ड है। ओके एंड इवन सबसे ज़्यादा स्टेट वाइज अगर हम देखेंगे, स्टेट वाइज सबसे ज़्यादा कोस्ट किसको लगती है, सो दैट इज़ द गुजरात को, बराबर है। तो इसलिए मैंग्रोव नेचुरली यहाँ पे बहुत अच्छा है, बट अंदर की तरफ उतना फैला नहीं है ड्यू टू डेवलपमेंट। अंदर की तरफ सबसे ज़्यादा मैंग्रोव फैला है तो वो है सुंदरबन रीजन में, इसलिए फर्स्ट है वेस्ट बंगाल एंड सेकेंड इज़ द गुजरात, तो बोथ इज़ करेक्ट। ओके सो बोथ इज़ करेक्ट। तो थोड़े से कभी कभार लॉजिक लगाया करो। सो देखो फाइव मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर एमपी आता है, अरुणाचल प्रदेश, दो भी याद रख ले तो भी बहुत है, थर्ड छत्तीसगढ़ एक्सेट्रा देख ले दो। एंड उसके बाद मैंग्रोव में अगर देखेंगे वेस्ट बंगाल इज द फर्स्ट, सेकंड इज गुजरात एंड थर्ड इज अंडमान निकोबार, एंड थर्ड इज अंडमान निकोबार। गुजरात के बाद अंडमान निकोबार होना ही चाहिए क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा कोस्ट अगर किसको लगती है, स्टेट एंड यूटी दोनों मिला के, मतलब हम दोनों अगर कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा इंडिया में कोस्ट लगती है अंडमान निकोबार को, बिकॉज यूटी है ना, वो यूटी भी कंसिडर किया हमने ओवरऑल स्टेट एंड यूटी दोनों में भी,
ओनली अगर स्टेट पूछता है तो योर आंसर शुड बी द गुजरात। इंडिया में सबसे ज्यादा स्टेट वाइज ओनली, सो दैट इज गुजरात। ओके यस समीम, हाँ वैसे सोच सकते हो हाँ, बट एक्चुअली देखा जाए तो अंदमान निकोबार में थर्ड लेवल पे आ जाएगा, तीसरा आ जाता है, गुजरात यहाँ पे पहले आ जाएगा। ओके क्लियर, अंडरस्टूड? ठीक है, तो मुझे लगता है आज के लिए इतना सफिशिएंट होगा। सो चलो फिर नेक्स्ट सैटरडे मिस नहीं करना है सेशन, सबको अटेंड करना है, और नेक्स्ट सैटरडे मुझे बोल देना कि सर कर्नाटक तक हमने कवर किया था, मतलब उससे आगे हम स्टार्ट करेंगे, राइट? और जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पहली बार आज सेशन अटेंड किया है, तो आज का सेशन देख लो, इसके पहले हमने एंटायर पूरे जितने भी नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स है वो कवर किए थे, लेक्चर वन लेक्चर टू ऐसे, राइट? तो वो लेक्चर आपको अटेंड करने हैं कहाँ पे, तो अनएकेडमी आर्टिकुलेट पे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करो, आपको सेशंस मिल जाएंगे। इंडिया मैपिंग थ्रू एटलस ऐसे कुछ होगा, या इंडियन ज्योग्राफी थ्रू मैपिंग ऐसे टाइटल के साथ आपको मिल जाएगा, सैटरडे वाले ही सेशन स्क्रॉल डाउन करने आपको मिल जाएंगे। ओके और वो सेशन आप देख सकते हो। ओके ठीक है, यस फैजाम, वी आर नॉट अलाउड टू शेयर द टेलीग्राम चैनल, बट डोंट वरी, आप स्पेशल क्लासेस में कनेक्ट हो जाओ, आपको लिंक मिल जाएंगे, जो भी नोट्स है वो मिल जाएंगे। ओके यस फैजान, अंडरस्टूड? तो स्पेशल क्लासेस में बस डाल देना सुमित कोंडे, सो यू विल गेट माई डिफरेंट स्पेशल क्लासेस। ओके तो स्पेशल क्लासेस वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, और स्पेशल क्लासेस से आप जो ये पीडीएफ है, पूरे नेशनल पार्क के पीडीएफ हो गए या इंडिया मैपिंग के पीडीएफ हो गए, तो वो वहाँ पे मिल जाएगा आपको। यस फैजान, ओके ग्रेट, ठीक है, ओके देन, थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे एवरीवन। सो मिलते हैं कल 12 बजे, डू नॉट मिस द टुमारोज करंट अफेयर सेशन। ओके।